क्या दिखा? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग हिमांशु, गुड इवनिंग रोहित, गुड इवनिंग उत्सव। आई होप आप लोग सब कोई बहुत अच्छे हैं। यू ऑल आर टू गुड, टू गुड, टू गुड, है ना? तो दो तीन चीजें आप समझो। दिस इज अ बिजनेस और प्रोफेशन। आप ट्राई ये करो कि जब आप बिजनेस एंड प्रोफेशन को रिवाइज करोगे तो बिजनेस एंड प्रोफेशन के रिवीजन के समय आपको किसी चीज की जरूरत ना पड़े। ये जो लेक्चर आज मैं आपको दे रहा हूं, सर कभी आईडीटी की वीडियो भी डाल देना लाइव। ये कैसे 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 बातें करते हैं बताइए। मैंने आईडीटी के 10 वीडियो, जीएसटी के 10 वीडियो डाले हैं और ये कह रहे हैं कि कभी कभी आप आईडीटी के वीडियो भी डाल दीजिए। जान ले लो मेरी, जो बची खुची है वो भी ले लो। और हिमांशु भाई, और जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, है? और कुछ लोग कितने गंदे होते हैं, आते हैं जस्ट स्ट्रीमिंग स्टार्ट होती है डिसलाइक करके चले जाते हैं। यार मुझसे ऐसी दुश्मनी क्यों है आपकी कि आप डिसलाइक कर देते हो? बताओ, मैंने कोई आपका कोई काम बिगाड़ा है? ओके, आर यू रेडी फॉर बिजनेस और प्रोफेशन चैप्टर? देखिए, दीजिएगा सर। ठीक, ये वॉल्यूम नंबर 2 है मेरे मेरी क्लास के। वॉल्यूम नंबर 2 है ये। डायरेक्ट टैक्स के 2 वॉल्यूम आते हैं, एक है आपका जिस वॉल्यूम नंबर 1 और वॉल्यूम नंबर 2। वॉल्यूम नंबर 2 में जो चैप्टर्स मैंने कवर करके रखे अपनी वॉल्यूम में, रिटर्न, एडवांस, इंटरेस्ट, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, डिविडेंड, टीडीएस एंड टैक्स हॉलीडे। I started this business or profession chapter in my satellite classes. Satellite classes में मैं business and profession chapter को मैंने 23rd of April 2019 को start किया था और वो ख़त्म होते होते 9th of May लग गए। 9 classes लगी, यानी कि 18 घंटे के करीब मुझे business और profession पढ़ाने में लगा। अब ये business and profession को पढ़ाता कैसे हूँ मैं, थोड़ा सा अलग मेरा system है। मैं अपने class में जब मैंने 23rd को स्टार्ट किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड विद द इंडेक्स। एक बहुत बड़े, अरे मैं आपको नहीं बोल रहा हूं हिमांशु, मैं आपको नहीं कुछ बोल रहा, मैं एक बता रहा था कि ऐसे कई लोग होते हैं आ जाते हैं। ठीक है,
यस नितिन सर, मी फाइन। तो ये आपका इंडेक्स है, दिस इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर ईच एंड एवरी प्रोविजन विद सेक्शन, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। पहले आप इंडेक्स नंबर खड़ा किया करो, ठीक है? आप जितनी जल्दी इंडेक्स को खड़ा करोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। तो दिस फर्स्ट पेज इंडेक्स इज रिगार्डिंग 28, 29, 30, 31, 32 एंड 32 एडी। फिर सेकेंड पेज के इंडेक्स में हम गए, सेकेंड पेज के इंडेक्स में 35 का पूरी सीरीज है। फिर मैं गया सेक्शन 36 की सीरीज में, ये पूरी की पूरी सीरीज आती है, और सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 आता है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 40 डिसअलाउड के सेक्शंस हैं, फिर 40A2, 40A3, 3A है, 43B है, और 44AA है, प्रिजम्प्टिव इनकम है, और दिस है। एग्जैक्टली स्टार्ट कैसे किया जाए? यस हिमांशु, सेक्शन 28 to 44, एवरीबडी नोज द बिजनेस ऑफ दिस एंटायर हेड्स ऑफ इनकम। अगर मैं सेक्शन में डीटी की बात करूं तो कैसे करेंगे हम, ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन ए इज ऑलवेज रिगार्डिंग द एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन, सेक्शन टू इज रिगार्डिंग द डेफिनेशन, सेक्शन थ्री प्रीवियस ईयर के लिए है, सेक्शन फोर चार्जेबिलिटी के लिए है, सेक्शन फाइव में रेसिडेंस, सेक्शन फाइव में इंसिडेंस ऑफ टैक्स की बात की गई, सेक्शन सिक्स में आपके रेसिडेंशियल स्टेटस की बात की गई है, सेवेंथ में डीम टू रिसीव की बात की गई है, और एट में डिविडेंड के इंसिडेंस की बात की गई है, डीम टू अक्रू राइज की नाइन में बात की गई, टेन में सारे के सारे इनकम एग्जम्प्ट आते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और जब हम आगे बढ़ते हैं तो सेक्शन 11, 12 एंड 13 चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए आते हैं। और जब सेक्शन 11, 12, 13 चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए आते हैं तो चैरिटेबल ट्रस्ट इज नॉट इन द इंटर सिलेबस। सेक्शन 14 कहता है कि इनकम विच इज, सेक्शन 14 कहता है इनकम जो एग्जम्प्ट है उसके एक्सपेंडिचर आपको माइनस करने नहीं दिए जाएंगे। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ यू। कई बार आप, मैंने देखा है टेलीग्राम चैनल में क्वेश्चन आते हैं व्हाट्सएप में कि सर इसका एक्सपेंडिचर, तो आप याद रखो ना कोई भी इनकम अगर एग्जम्प्ट है तो उसके अगेंस्ट में अगर कोई खर्चा है तो वो आपको माइनस करने नहीं देगा। अब आपने डिविडेंड जनरेट किया, आपको डिविडेंड मिला, आपने डिविडेंड का चेक बैंक में जमा किया और 20 रुपीज आपका कमीशन लग गया, आप पूछते हो सर ये एक्सपेंडिचर माइनस होगा कि नहीं होगा? नहीं, वो एक्सपेंडिचर आपका माइनस नहीं होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो एक्सपेंडिचर आपका माइनस होगा। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो सेक्शन 15 to 17 इज अ सैलरी, 22 to 27 इज अ हाउस प्रॉपर्टी, 28 to 44 इज अ बिजनेस और प्रोफेशन, 45 to 55 इज अ कैपिटल गेन, 56 to 59 इन अदर सोर्स। सेक्शन 60 to 65 यूज द क्लबिंग ऑफ इनकम, सेक्शन 70 to 80 इज सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड, एंड सेक्शन 80C to 80 यूज द डिडक्शन। फिर उसके बाद सीधा हमारी जो सीरीज स्टार्ट होती है वो लेटर ऑन जाके 139 में स्टार्ट होती है। 139 में पूरा का पूरा हमारा है, 139 टू 142 रिटर्न ऑफ इनकम। फिर हम आगे अगर बढ़ते हैं तो 192 टू 194 आता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं 206 भी आता है, 207 एडवांस टैक्स पेमेंट एडवांस टैक्स के लिए आता है, 234 इंटरेस्ट के लिए आता है। ये सारी चीजें हैं। ओके, आई एम नॉट सीरियस। ओके, तो कैसे आप चलोगे, आप किस तरीके से आप इसको प्रोसीड करोगे? बिजनेस एंड प्रोफेशन में प्रोसीड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स स्टार्ट विद दिस। सेक्शन 30 to 37 इज एक्सपेंसेस अलाउड, वो खर्चे जो अलाउड होंगे, अलाउड का मतलब डोंट टच मी। एंड सेक्शन 40 सीरीज इज रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर डिसअलाउड, एक्सपेंडिचर डिसअलाउड का मतलब टच मी। 40A, 40A2, 40A3, 40A3A, 40A7, 40A9, 40A9 इज एक्सपेंडिचर डिसअलाउड। ओके, बिजनेस एंड प्रोफेशन में सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि आपके तीन इनकम का सेक्शन है। इनकम केवल एक नहीं है, यहां तीन तीन इनकम है। वन, सेक्शन 28 इज रिगार्डिंग इनकम, सेक्शन 41 1, 2, 3, 4, 5 इज रिगार्डिंग नॉशनल बिजनेस इनकम, एंड 44 AD, AD AE इज फॉर प्रिजम्प्टिव बिजनेस इनकम। देयर थ्री टाइप्स ऑफ इनकम इन इनकम टैक्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशन। वन इज अ इनकम, सेकंड वन इज अ नॉशनल इनकम, एंड सेक्शन 44 AD इज रिगार्डिंग योर प्रिजम्प्टिव इनकम। आप चैप्टर को स्टार्ट कैसे करोगे? जैसा बोल रहा हूं वैसे स्टार्ट करना, कभी दिक्कत नहीं होगी।
यू ऑलवेज स्टार्ट विथ, जब भी आप बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर को स्टार्ट करो तो पीछे से करो। कैसे करोगे? पीछे से करोगे। सेक्शन 44AA, आप हमेशा पीछे से करो। सेक्शन 44AA, कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब आप बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर पढ़ रहे हो तो पहले ये तो पता लगाओ कि मैं इस चैप्टर को जब पढ़ रहा हूं तो इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मुझे क्या क्या किन किन चीजों की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी और दूसरा एक टैक्स ऑडिट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद मैं बीपी में जाता हूं। सेक्शन 44A को मैंने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से ड्रॉ किया है, मैं आपको एकदम शॉर्टकट चीजें सिखाता हूं। देखो, कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में डिपार्टमेंट ने एसएससी को चार हिस्से में बांटा है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। ए एंड बी इज रिगार्डिंग योर प्रोफेशन एंड सी एंड डी इज रिगार्डिंग बिजनेस। एकदम शुद्ध हिंदी में सीख लो। कैटेगरी ए कहता है, कैटेगरी ए क्या कहता है, अगर इस साल आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करोगे कि नहीं करोगे ये पिछले 3 सालों के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर पिछले 3 साल में किसी भी एक साल अगर आपका 150,000 के नीचे ग्रॉस रिसिप्ट है, लेस देन इक्वल टू 150,000 किसी भी एक साल, तो यू हैव टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट बट एज रिक्वायर्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कहेगा वैसे आपको रिकॉर्ड करना है। यानी कि पिछले 3 सालों में अगर मैं ऐसे काउंटिंग करूं, पिछले 3 सालों में अगर तीनों ही साल में से किसी भी एक साल 150,000 के नीचे है तो आई हैव टू मेंटेन, इन एनी केस आई हैव टू मेंटेन, पर मैं एओ के हिसाब से करूंगा। ओके, बट अगर क्वेश्चन ये आया कि पिछले 3 सालों में सर तीनों ही साल 150 के ऊपर है तो क्या होगा? इफ योर ग्रॉस रिसिप्ट इज मोर देन 150,000 इन ऑल ऑफ द 3 previous ईयर, यू आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर रूल 6F के हिसाब से आपको मेंटेन करना है। करना तो दोनों ही है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया अपनी क्लास में कि अगर 18-19 में मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं तो मुझे पिछले 3 साल 17-18, 16-17, 15-16 को देखना है। अब आप देखो, इसमें अगर मैं चेक करूं तो तीनों ही सालों में 150 के नीचे है तो कैटेगरी ए का बंदा है। अगर यहां पे देखो 3 साल में क्या है, आपके 2 साल 150 के नीचे फिर भी कैटेगरी है, यहां पे देखो 1 साल 150 के नीचे फिर भी कैटेगरी ए है, और यहां पे आप देखो हमेशा हर साल 150 के ऊपर है, कैटेगरी बी है। और कैटेगरी बी का मतलब यू हैव टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर रूल नंबर 6F एंड हियर एज पर असेसिंग ऑफिसर। दिस इज द रूल। इजी, क्लियर? कुछ नया लगे तो जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। मैं भी थोड़ा प्रोफेशनल हो गया हूँ, मैं भी थोड़ा आजकल कई सारी चीजें सीख गया हूँ। चलिए, कैटेगरी सी। व्हाट कैटेगरी सी सेज? इफ यू आर इन अ बिजनेस, अगर आप बिजनेस कर रहे हो और अगर आपको इस साल मेंटेन करना है, इसके पिछले 3 सालों में जाओ। कैसे जाए सर? पिछले 3 सालों में आप देखो ग्रॉस रिसीप्ट, सेल्स और टर्नओवर 10 लाख और 10 लाख के नीचे होनी चाहिए। एंड इनकम, आपकी जो इनकम है एंड 10 लाख के नीचे होनी चाहिए, और आपकी जो इनकम है वो 1,20,000 के नीचे होनी चाहिए। ये दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए। एंड वर्ड है, और वो भी तीनों ही साल, बिकॉज द वर्ड इज ऑल। पिछले 3 साल ऑल मतलब पिछले 3 साल आपका ग्रॉस रिसीप्ट, सेल्स एंड टर्नओवर 10 लाख और 10 लाख के नीचे होना चाहिए, और इनकम भी 1,20,000 के नीचे होगी, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बट इफ इन एनी ऑफ द 3 previous ईयर, पिछले 3 सालों में किसी भी एक साल अगर आपका 10 लाख के ऊपर है या और इनकम 1,20,000 के ऊपर है किसी भी एक साल, यू आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसे कैसे याद रखना है? याद रखना कैटेगरी ए बी सी डी, एनी ऑल ऑल एनी, याद रखना एनी ऑल ऑल एनी। लड़कों को तो जल्दी याद हो जाएगा बिकॉज एनी ऑल ऑल एनी, किसी भी एक साल, ऑल मतलब तीनों ही साल 150 के ऊपर होना चाहिए, एनी किसी भी एक साल, और ऑल। तो ये बात आप समझ लीजिएगा, आप इस बात को समझ लीजिएगा। एवरीबडी क्लियर? इफ यू फेल्स टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यू आर रिक्वायर्ड टू पे पेनल्टी ऑफ ₹25,000। देखिए, इसका भी मैंने एक एग्जांपल बनाया। आईपीसीसी लेवल में कभी प्रैक्टिकल अप्रोच 44AA का नहीं आया था।
44AA का कभी भी कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं था। एक बार आज से नियरली मेरे ख्याल से 12 या 13 साल पहले, 13 ईयर्स अगो 2002 and 3, दे आस्क इन इंटर वन क्वेश्चन प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ 7 marks ऑन 44AA। सबकी लंका लग गई होगी उस समय, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट उतना डेवलप नहीं था और आज भी वो डेवलप नहीं है, बस आप लोग पढ़ लेते हो। देखो 18-19 में पिछले 3 साल देखो, ग्रॉस रिसीव सेल्स और टर्नओवर 9 lakh, 8 lakh, 7 lakh, तीनों ही साल आपके क्या है 10 लाख के नीचे। इनकम भी देखो 1,20,000 के नीचे। यू आर नॉट रिक्वायर टू मेंटेन द बुक्स अकाउंट कैटेगरी सी, बट हियर योर ग्रॉस रिसीप्ट इज लेस, 10 लाख के नीचे है, पर आपकी इनकम किसी एक साल 120 के ऊपर चली गई, इसलिए यू आर रिक्वायर टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन रूल 6F। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें एक अमेंडमेंट आया हुआ है, कैटेगरी सी और डी में अमेंडमेंट है। जहां आप 10 लाख देख रहे हो, यह इंडिविजुअल HUF के लिए 25 लाख हो जाएगा, ठीक। एंड इनकम जो है 120 की जगह कितनी हो जाएगी, 250। दिस इज अमेंडमेंट, प्रीवियसली दो साल पहले आ चुका था कि अगर आपका ग्रॉस रिसीप, यहां पे हमने कहा 10 लाख, यहां पे कितना हो जाएगा 10 की जगह 25 और इनकम 120 की जगह 250 ओनली फॉर इंडिविजुअल HUF। एवरीबॉडी इज क्लियर? तो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी, एवरीबॉडी इज क्लियर? कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी, एवरीबॉडी इज क्लियर? यू कैन रेज योर क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज रेज योर क्वेश्चंस। एनी याद रखना, एनी ऑल ऑल एनी, एनी ऑल ऑल एनी, एनी ऑल ऑल एनी, एनी ऑल ऑल एनी, और लास्ट में दो में याद रखिएगा एंड और एंड, दोनों साथ में और फोर्थ में और। चले ओके, देन देयर इज अ टैक्स ऑडिट 44AB, इज अ वेरी सिंपल थिंग्स। इन टैक्स ऑडिट यू हैव टू रिमेंबर टू थिंग्स, इस साल टैक्स ऑडिट होनी है कि नहीं होनी है देख लीजिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है, ग्रॉस रिसीव सेल्स या टर्नओवर, यू आर रिक्वायर्ड टू गेट योर बुक्स अकाउंट बीइंग ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। और अगर आप प्रोफेशन में हो और तो आपका ग्रॉस रिसीप्ट अगर 50 लाख के ऊपर है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स, यू आर रिक्वायर्ड टू गेट योर बुक्स अकाउंट बीइंग ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। सिंपल, 1 करोड़ के ऊपर और 50 लाख के ऊपर, ये दो तो मैंडेटरी है। इन दो के लिए तो एक्ट ने बड़ा क्लियरली इस बात को कहा है कि कब टैक्स ऑडिट होगी, पर बाद में आगे जाके उन्होंने पंगा कर दिया है। ये 3 सेक्शन वो लेके आते हैं टैक्स ऑडिट के लिए, 144AD, 44ADA एंड 44AE। दिस 44AD, ADA एंड AE इज रिगार्डिंग प्रिजम्प्टिव इनकम। यहां प्रिजम्प्टिव इनकम क्या है, 44AD में 8% ऑफ ग्रॉस रिसीव सेल्स और टर्नओवर है, 44ADA में 50% है, दिस इज फॉर बिजनेस एंड दिस इज फॉर प्रोफेशन। AE इज रिगार्डिंग अमेंडेड है, इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ये आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि अमेंडमेंट आया है 44AE में। क्या है 44AD, ADA एंड AE? व्हाट्स 44AD सेज? 44AD क्लियरली सेज, बेसिकली दिस इज 44AD4। 44AD सेज, इफ द एसएससी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन, और इन द एसएससी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ रिटेल ट्रेड, और इफ द एसएससी इज एंगेज्ड इन एनी अदर बिजनेस, ना लाइको एनी अदर लिखना था तो पहले ही लिख देते, सिविल वर्ड क्यों यूज किया, सीधा लिख देते एनी अदर बिजनेस, हुज ग्रॉस रिसीव सेल्स और टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, कैन गो फॉर 44AD। अब आप बताओ, टैक्स ऑडिट के लिए उन्होंने बोला है 1 करोड़ के ऊपर, और यहां पे वो आ जाते हैं कितने, 2 करोड़ के ऊपर, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे को, फिर भी फॉलो इट, आपको ये फॉलो करना है। 44AD में प्रिजम्प्टिव इनकम जो होगी वो 8% ऑफ ग्रॉस रिसीव सेल्स और टर्नओवर होगी। इसका मतलब यह हुआ कि 92% जो बैलेंस बच जाता है वो क्या हो गया, 44A, वो एक्सपेंडिचर हो गया, उन्होंने पहले एक्सपेंडिचर मान लिया। अब इसलिए वो कहते हैं नो एक्सपेंडिचर अलाउड अंडर सेक्शन 30-38, कोई एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा। 2016 के पहले इंटरेस्ट एंड रेमुनरेशन टू पार्टनर्स मिलता था वहां पे, वो भी उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया कि इंटरेस्ट एंड रेमुनरेशन पेड टू पार्टनर का भी हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। चलिए, इनकम हो गई ऑल थिंग्स, व्हाट इज द इंटरेस्टिंग थिंग, इफ यू फॉलो 44AD, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना है 44AA में, टैक्स ऑडिट आपको करानी नहीं है 44AB में। बहुत अच्छा सर, बहुत खुशी की बात है। द मोस्ट डेंजरस पॉइंट केम हियर, आपने प्रीवियस ईयर
18 और 19 में अगर आपने यूज किया 44 एडी को, ठीक, 44 एडी को आपने अगर यूज किया तो आने वाले नेक्स्ट 5 इयर्स तक आप एडी को फॉलो करोगे। अगर आपने एडी को कहीं फॉलो नहीं किया, मान लो 2 साल बाद आपने कहा कि 1920 में आपने एडी को फॉलो किया, 2021 में एडी को फॉलो किया, 2022-23 में आपने कहा एडी इज नॉट गुड, माई एक्चुअल इनकम इज फार लोअर देन एडी, देन जिस साल आपने एडी को फॉलो बंद किया उसके आने वाले 5 साल तक लॉक हो जाएंगे आप फिर एडी को फॉलो नहीं कर सकेंगे। अब आपको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी, प्रोवाइड आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा होनी चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, एडी अगर आपने स्टार्ट किया आज इस साल तो आने वाले 5 साल तक आपको एडी फॉलो करना है। अगर आने वाले 5 साल तक आप एडी फॉलो नहीं करते, किसी भी एक साल आप एडी को कॉन्ट्रेडिक्ट करते और आप कहते हैं मैं एक्चुअल में जाऊंगा, तो डिपार्टमेंट कहता है जाओ मुझे कोई टेंशन नहीं है, पर जिस साल आप एडी को ब्रेक करोगे आने वाले 5 साल तक आप एडी नहीं फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट, अब आपको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी, ठीक, टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन यानी कि 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख के ऊपर होनी चाहिए। क्लियर है या डाउट है? क्लियर है या डाउट है? बोलो आप लोग, बोलो आप लोगों के लिए है आज की क्लास। मेरे बच्चे क्लियर हैं ये मतलब मुझे पता है। कल टर्नओवर से कोई मतलब नहीं है, उस सब टर्नओवर से कोई मतलब नहीं है। देखो 18-19 यू आर फॉलोइंग एडी, 19-20, 20-21 यू आर फॉलोइंग, नेक्स्ट 5 इयर्स यू हैव टू फॉलो। In 21-22 you say no, I am not going to follow 44 AD. Then in such case 21-22 से आने वाला next 5 साल 22-23-23-24-25-25-26-26-27 no 44 AD, आपको 44 AD नहीं कर सकोगे। आपको 44AA यानी कि कंपल्सरी मेंटेनेंस एंड ए भी फॉलो करना पड़ेगा इफ नेट इनकम इज मोर देन 2 करोड़ 50 लाख। उस सब का क्वेश्चन है कि टर्नओवर, उस सब फॉर मेरठ उसका क्वेश्चन है सर टर्नओवर 1 करोड़ से कम ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके टर्नओवर को फिर नहीं देखेंगे, ठीक है। अब आपको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी अगर, हाँ एक लीनियंसी है कि आपकी इनकम 2,50,000 के ऊपर होनी चाहिए। नेक्स्ट 44 ADA says presumptive income if you are in a profession, if your gross receipt does not exceed 50 lakhs you have to follow this. What is the presumptive income? 50% of gross receipt. आपको 50% of gross receipt आपकी income होगी। ये profession वालों के लिए। अगर आपको लगता है कि आपकी income 44 AD में ज्यादा है और actual income कम है, आप 44 AB में tax audit करवा लो, कोई tension नहीं है। A, the same thing. There is a presumptive income concept. The assessee must be engaged in plying, hiring or leasing of goods vehicle. गुड्स व्हीकल में आप इंगेज हो, डज नॉट ओन मोर देन 10 ट्रक्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 10 से ज्यादा आपके पास कोई ट्रक नहीं होने चाहिए, तो आप 44 AE को फॉलो कर रहे हो। और जब आप 44 AE को फॉलो कर रहे हो तो आपकी प्रेजम्प्टिव इनकम जो होगी हेवी व्हीकल और मीडियम व्हीकल के हिसाब, मीडियम और अदर व्हीकल में जाएगी। हेवी व्हीकल के लिए इस बार उन्होंने क्या कहा, हेवी व्हीकल का मतलब 12,000 टन के ऊपर, 12,000 किलोग्राम के ऊपर होना चाहिए, प्लस 1,000 per ton आपकी इनकम मान ली जाएगी, और अगर अदर देन हेवी है तो 7,500 per month और ए पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज आपकी इनकम मान ली जाएगी, और एक्चुअल इनकम व्हिचएवर इज हायर। अगर आपको लगता है कि 44 AE की इनकम जो है वो काफी ज्यादा है, मेरी एक्चुअल इनकम कम है, आप टैक्स ऑडिट कराओ 44 AB, पर उसमें भी ध्यान रखना है आपका बेसिक एग्जम्पशन 250 से ज्यादा आपकी इनकम होनी चाहिए, 250 से ज्यादा आपकी इनकम होनी चाहिए। बोलिए 44 AB और 44 AA एंड 44 AB। If you fail to get your books account audited, आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी 0.5% ऑफ सेल्स ग्रॉस रिसीप्ट और टर्नओवर और ₹1,50,000 whichever is lower। आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी पड़ेगी 30 सितंबर के पहले। आपने रिटर्न फाइल किया नहीं किया मतलब नहीं है, 30 सितंबर के पहले आपके टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा हो जानी चाहिए। कुछ नया नया दिखा या सेम है? बोलिए। तो whenever you start the BP, अपने दिमाग में सेट कर लो कि सेक्शन 28 इनकम, सेक्शन 29 इज अ चार्जेबिलिटी, देन सेक्शन 30, 31, 32, सेक्शन 35 एंड सेक्शन 36, 37 इज रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर अलाउड, सेक्शन 40 इज रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर डिसअलाउड, देन सेक्शन 44AA, 44AB, 44AD, 44AD एंड 44AE इज देयर। बोलिए क्लियर?
ओके द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज 43B. व्हाट्स 43B सेज? द 43B इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन, बिकॉज कि 43B के बिना आप एक भी प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं कर सकोगे, ये मान के चलिए. आई एम एक्सप्लेनिंग 43B, ढंग से सोचना. द 43B सेज बेसिकली अकाउंट, आप अगर 145 सेक्शन 145 सबसेक्शन 1 में अगर आप एंट्री मारते हो, वहां मेथड ऑफ अकाउंटिंग की बात की गई है. व्हाट इज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग सेज? देयर आर टू मेथड अकाउंटिंग, कैश बेसिस एंड अक्रूअल बेसिस. दिस इज एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, इनकम अंडर द सैलरी, इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी एंड कैपिटल गेन, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो मेथड ऑफ अकाउंटिंग. सीजी के समय, एचपी के समय और सैलरी के समय कोई मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करने की जरूरत नहीं है. बट व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द इनकम अंडर दैट बिजनेस ऑफ प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, आपको मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना पड़ेगा. यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. चलिए सर, मैंने मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया. अब जब मैं मेथड ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करूंगा तो कैश बेसिस भी हो सकता है, अक्रूअल बेसिस भी हो सकता है. मैं किसको फॉलो करूं? इफ यू गो विद द फंडामेंटल अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यू फाइंड अक्रूअल बेसिस इज द बेस्ट. तो मैं एक दिमाग में अपने सेट कर लिया कि मैं बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू फॉलो द मेथड अकाउंटिंग विच वन अक्रूअल बेसिस. ओके, अक्रूअल बेसिस तो आपको पता ही है कि पेड एंड पेएबल सब खड़ा है तो खड़ा है, देयर इज नो इश्यू एट ऑल. बट सेक्शन 43B कहीं से एंट्री मारता है, आपके सपनों के ऊपर रोलर कोस्टर चला के निकल जाता है. सेक्शन 43B कहता है कि सुनो मेरे दोस्त, आप एक्रोल बेसिस पे मेंटेन कर रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट देयर आर 6 एक्सपेंडिचर जो मैं केवल अलाउड करूंगा इफ पेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, दैट इज सितंबर और जुलाई. आप एक्रोल बेसिस पे मेंटेन करो, सारे एक्सपेंडिचर आप लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर 6 एक्सपेंडिचर ऐसे होंगे, 6 जो मैं तभी अलाउड करूंगा इफ पेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न. ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1) में क्या कहा गया है? सितंबर और जुलाई. कौन से ऐसे 6? एनी टाइप ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, किसी भी तरीके का टैक्सेस और ड्यूटीज. आप ध्यान से देखना, हर आइटम पीएल का आइटम है, मैक्सिमम सम में आपको ही मिलेगा, तो वी वेरी प्रैक्टिकली आप इसे बहुत स्ट्रांगली समझ लीजिएगा. एनी टाइप ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज लाइक एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट, सीएसटी, जीएसटी, म्युनिसिपल टैक्स. देन क्वेश्चन अराइजेस, सर वेयर इज इनकम टैक्स? सर इनकम टैक्स हो, इनकम टैक्स में ही डिसअलाउड एक्सपेंडिचर है सेक्शन 40 सबसेक्शन ए क्लॉज 2 में, तो उसको छोड़ दीजिए. बोनस एंड कमीशन 36(1)(2), इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सेक्शन 36(1)(3), एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 एंड 5, लिव इन कैशमेंट एंड पेमेंट टू रेलवे फॉर यूज ऑफ एसेट. ये वो 6 एक्सपेंडिचर है जो मैं अलाउड तो करूंगा इफ पेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न. ऑन और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ठीक. अगर मैंने नहीं पेड किया तो क्या होगा? दिस ईयर इट इज गोइंग टू बी डिसअलाउड, इट इज गोइंग टू बी डिसअलाउड, बट अलाउड इन द ईयर इन विच इट इज मेड, पेमेंट इज मेड. तो अल्टीमेटली पिक्चर क्या निकल के आई? सेप्टेम्बर 2019 या जुलाई 2019, क्योंकि अभी हमारा प्रीवियस ईयर 18-19 है, उसके पहले अगर मैंने पेमेंट कर दिया तो ये अलाउड हो जाएंगे, अगर मैंने पेमेंट नहीं किया तो ये डिसअलाउड हो जाएंगे, पर उस साल अलाउड होंगे जिस साल मैं पेमेंट करूंगा. तो पेमेंट कब करूंगा? इफ दिस ईयर एक्सपेंडिचर इज, सपोज इस साल का जीएसटी में 2022 और 23 में जाके पेमेंट करता हूं, इस साल डिसअलाउड होगा, पर 2022-23 में जाके अलाउड होगा, द ईयर इन विच द पेमेंट इज मेड. मैंने क्लास में एक एग्जांपल भी दिया इसका. इफ पेड आफ्टर 31 जुलाई और 30 सितंबर, डिसअलाउड इन द करंट ईयर बट अलाउड इन द ईयर इन विच पेमेंट इज मेड. 18-19 में जीएसटी 2 लाख था, पेड मैंने किया 15 सितंबर को 1,10,000, 30 मार्च को 10,000, 17 जुलाई को 40 और 5 अप्रैल 2020 को. तो ये जो 5 अप्रैल 2020 को है, प्रीवियस 18-19 में डिसअलाउड होगा, पर अलाउड किस साल होगा? 2021 में. आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर. दिस इज एक्सपेंडिचर ऑन फिंगर टिप्स, दैट इज अ बोनस, एनी टाइप ऑफ टैक्सेस, बोनस एंड कमीशंस, योर इंटरेस्ट ऑन बॉर्ड कैपिटल, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू अवर्स आरपीएफ, एंड फिफ्थ वन इज लिव इन कैशमेंट एंड पेमेंट टू रेलवे. So these are the fundamental things. Whenever you are going to start with which?
व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट ऑलवेज बीपी स्टार्ट विथ, अगर हो सके तो आप पहले समझ लेना, और आप तो पढ़ा हुआ है, जस्ट रिवीजन कर रहे हो, तो यू आर जस्ट यू हैव टू स्टार्ट विथ ए ए बी एंड 43B. मुझे लग रहा है आप लोगों को मजा नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है आप लोगों को मजा नहीं आ रहा है, ऐसा है? ओके, सर जीएसटी का क्रेडिट मिल गया है तो क्या डिडक्शन तो नहीं मिलेगा ना 43B में? 43B में जीएसटी के क्रेडिट से लेने का क्या मतलब है? आप आराम से उसको पीएल में आपने पेमेंट किया है, आप उसको जनरल एंट्री के हिसाब से क्यों सोचते हो अभिषेक? वाई यू गो विद द जनरल एंट्री? क्रेडिट मिला है वो दूसरी चीज होती है, ITC को वहाँ कंपेयर मत करो, वो प्लांट एंड मशीनरी में अगर आपने किया तो उसको ऐड नहीं करेंगे, वो करो, वो अलग बात है, सेक्शन डिप्रिसिएशन। नो नो नो, यू आर नॉट रिप्लाइंग, दैट मीन्स आपको मजा नहीं आ रहा है, और मजा नहीं आ रहा है तो मैं क्या अब इस मजे के लिए क्या डांस भी करना पड़ेगा मुझे? नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। चलिए तो आप बताओ, सेक्शन 32-37 एंड सेक्शन सीरीज इज सेक्शन 40A, दिस इज अलाउड एक्सपेंडिचर एंड दिस इज डिसअलाउड। तो आप हमेशा याद रखो बेटा, डिसअलाउड को पहले कवर कर लिया करो, आप जितना जल्दी आप डिसअलाउड को कवर करोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। यू जस्ट कवर योर डिसअलाउड एक्सपेंडिचर फर्स्ट। तो आपने जैसे ही टैक्स ऑडिट को कवर किया, आपने जैसे ही कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कवर किया, आपने 43B को अपने पिक्चर में ले लिया कि ये 6 एक्सपेंडिचर है जो पेड होंगे ड्यू डेट के पहले तब अलाउड होंगे, ठीक उसी तरीके से सीधा आप जंप किया करो 40 में। जैसे आपका एक्सपेंडिचर डिसअलाउड क्लियर होगा, 32-36 तो एकदम पानी है, एकदम ईजी है। सर कैसे करें? देखिए इसका भी एक मैं तरीका बताता हूं। ऐसे मटेरियल में तो बहुत कुछ मैंने दे के रखा है, बहुत कुछ भर भर के दिया है, भाई पढ़ो तुम लोग, पढ़ो 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 पढ़ो, मैंने बहुत कुछ दिया है। देखो अब इतनी सारी चीजें पढ़ने के लिए कौन पढ़ेगा, ये तो मेन क्लास की चीजें हैं, आपको तो रिवीजन होना चाहिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूं हाउ यू आर गोइंग टू 40A, दिस इज द वे यू आर गोइंग टू रिवाइज एक्सपेंडिचर डिसअलाउड। ओ सुपर सुपर सुपर, एक्सपेंडिचर डिसअलाउड सेक्शन 40 सबसेक्शन ए क्लॉज 1, क्लॉज 1A, क्लॉज 2, क्लॉज 2B, क्लॉज 3, क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5। याद रखना 40A1, A1 एंड 1A वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मिलेंगे एग्जाम में। कैसे? हिंदी में याद रखो, आप कोई भी पेमेंट लाइक इंटरेस्ट, लाइक रॉयल्टीज, लाइक फीस फॉर टेक्निकल सर्विस और सिमिलर सम पेड, कहां पे कर रहे हो? इंडिया के बाहर और इंडिया के भीतर, नॉन रेसिडेंट से रिलेटेड सेक्शन है। याद रखिएगा, आप रॉयल्टी इंटरेस्ट फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का पेमेंट कर रहे हो, इंडिया के बाहर कर रहे हो या इंडिया के भीतर नॉन रेसिडेंट को कर रहे हो, आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। नॉन रेसिडेंट है तो सेक्शन 195 टीडीएस का सेक्शन है, आपको टीडीएस डिडक्ट करना है 31 मार्च के पहले। कब? 31 मार्च के पहले आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, और इस टीडीएस को डिडक्ट करके गोलगप्पे नहीं खाने हैं आपको, ये टीडीएस डिडक्ट करके ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न यानी कि जुलाई और सितंबर जो भी आपका ड्यू डेट है उसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिएगा। अगर आपने ये दोनों काम साथ में कर लिए तो अलाउड है, नहीं तो 100% डिसअलाउड है। याद रखोगे क्या? आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो, इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर अदर सर्विस और अदर सिमिलर सम टू नॉन आउटसाइड इंडिया और इन इंडिया टू ए नॉन रेसिडेंट, तो आपकी दो जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारी नंबर 1, 31 मार्च के पहले आपका क्या होना चाहिए? डिडक्ट हो जाना चाहिए, और रिटर्न फाइल करने के पहले आपका पेमेंट हो जाना चाहिए। इसका सेक्शन 201 में जो टाइम लिमिट दी गई है कि हर महीने के 7 तारीख, इस सेक्शन से उसका कोई रिलेवेंस ही नहीं, वो टीडीएस का प्रोविजन है। ये अपनी बात कह रहा है, ये अपनी बात कह रहा है, एकदम फिंगर टिप में रखो, 31 मार्च के पहले डिडक्ट होना चाहिए और रिटर्न फाइल करने के पहले पेमेंट हो जाना चाहिए। ये दोनों काम हो गए तो अलाउड होगा, नहीं तो 100% डिसअलाउड होगा। फिर गए ये केस में 1A में,
देयर आर लॉट ऑफ प्रोविजन. अगर आप रेसिडेंट की बात करें तो वन इज ए रेसिडेंट, चाहे वो सेक्शन 192 में सैलरी के लिए हो, या 193 में आपका इंटरेस्ट के लिए हो, 194A में इंटरेस्ट के लिए हो, 194C में कॉन्ट्रैक्टर के लिए हो, या डी में आपके दादाजी के लिए हो, माने इंश्योरेंस प्रीमियम कमीशन के लिए हो, एच में हराम की कमाई ब्रोकरेज एंड कमीशन के लिए हो, आई में इमोवेबल प्रॉपर्टी को जो रेंट मिलता उसके लिए हो, किसी भी तरीके का जब आप पेमेंट कर रहे हो तो आपके लिए एक्सपेंडिचर है. आपको दो बातें याद रखनी है, 31 मार्च के पहले आपका क्या होना चाहिए, TDS डिडक्ट हो जाना चाहिए, प्लस 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 मार्च के पहले डिडक्ट होना चाहिए, प्लस रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट के पहले आपका जमा हो जाना चाहिए. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो डोंट टच मी अलाउड है, और अगर एक भी कंडीशन फेल हो गई, 31 मार्च के पहले डिडक्ट नहीं किया, तो ये सारे के सारे आपके डिसअलाउड होंगे. कितना, 30% आपका डिसअलाउड होगा. क्लियर है, ध्यान रहेगा. बोथ प्रोविजंस आर सेम बेटा, बोथ प्रोविजंस आर सेम. वन इज फॉर NR, 1A 40 सबसेक्शन ए क्लॉज 1 इज फॉर NR, एंड 40A सबसेक्शन 1A इज फॉर रेसिडेंट, इज फॉर रेसिडेंट. याद रखना, जब दो बातें, दोनों में कॉमन चीज क्या है, 31 मार्च को डिडक्ट और रिटर्न फाइल करने के पहले पेमेंट, दोनों में. और दूसरा क्या चीज है, या 100% डिसअलाउड है, ये 30% अलाउड है. पर जब आप पेड करोगे, अगर आपने ये कर दिया, पर आप भविष्य में जाके इन फ्यूचर में जब पेड करोगे, याद रखना, पेड करोगे उस साल वो अलाउड होगा. सर, इन केस ऑफ पेमेंट टू रेसिडेंट विदाउट डिडक्टिंग TDS, रेसिपिएंट हैज टू पे और इंट्रीम कम, देन ही विल बी एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड. द रेसिपिएंट हैज पेड टैक्स ऑन इंट्रीम ऑन इनकम इंट्रीम. बेटा वो प्रोविजन है. यस बेटा विजय, यू आर करेक्ट विद दिस पॉइंट. उसमें एक पॉइंट है कि अगर सामने वाले बंदे ने, जिसको मैंने पेमेंट किया है, उसने अपनी इनकम में उस अमाउंट को इंक्लूड किया है और उसने उसे रिटर्न फाइल कर दिया है, तो मैं उसे डिफॉल्टर नहीं मानूंगा, मैं उसे डिफॉल्टर नहीं मानूंगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट 41A2 इनकम टैक्स, इसका मतलब क्या हुआ समझे, ठीक है. देखिए 40A2 इनकम टैक्स इज डिसअलाउड, corporate dividend tax is disallowed, interest under section 234 ABC, A is for late filing of return, B and C is for non-payment and deferment to advance tax, penalty under income tax is a disallowed expenditure. 40A2 2 bhi ko dimag mat lagao. 3 TDS on salary payable outside or to a non-resident India without TDS. ekdam simple hai, India ke bahar aap payment kar rahe ho, India ke bahar aap payment kar rahe ho, ठीक है, किसी को भी करो, या इंडिया में TDS, या इंडिया में आप नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो, तो TDS डिडक्ट करके पेमेंट करना, नहीं तो डिसअलाउड होगा. सर व्हाई हैव दे इंक्लूडेड सैलरी टू NR इन 40A 1A? वेयर इट इज बेटा, 1A में सैलरी टू NR नहीं है बेटा, सैलरी टू रेसिडेंट है बेटा. 40A 1A में सैलरी टू NR नहीं है बेटा, 40A 1A में सैलरी ये रेसिडेंट के लिए, वहां नॉन रेसिडेंट नहीं आएगा. ओके, दिस इज सैलरी बेटा, दिस इज NR. आपका क्वेश्चन थोड़ा सा वैलिड नहीं हो रहा आदेश. मिस्टर जैन जी, आपने पूछा 40A सबसेक्शन 1A, 40 सबसेक्शन A क्लॉज 1A में क्या पॉइंट है, सेक्शन 40 सबसेक्शन A क्लॉज 1A रेसिडेंट के लिए है, वहां पे सारी चीजें. ये जो 3 है, दिस इज ए स्पेसिफिकली डिफरेंट पॉइंट. ये कह रहा है इंडिया के बाहर आप जब किसी को पेमेंट कर रहे हो, या फिर इंडिया में NR को आप पेमेंट कर रहे हो, इंडिया में NR को पेमेंट कर रहे हो सैलरी, तो वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा. आगे देखिए, सर इन केस ऑफ पेमेंट टू रेसिडेंट विदाउट, मैंने आपको क्वेश्चन का जवाब ठीक से दे दिया है. अगर विजय मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं कोई, और मैंने बिना TDS काट के पेमेंट किया, आई एम ए डिफॉल्टर, मेरा डिसअलाउड होना चाहिए. पर गवर्नमेंट ने एक विंडो रखा है, क्या विंडो, अगर गणेश ने अपने रिटर्न में अपनी उसे इनकम इंक्लूड कर लिया, उसके ऊपर टैक्स दे रहा है, तो फिर विक्रम बियानी को माफी मिल जाएगी और विक्रम बियानी का डिसअलाउड एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा. ठीक है, आइए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स PF, इसके कई सारे प्रोक्योरमेंट है. दिस सेक्शन इज रिलेटेड विद सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 और 5. मैंने आपके अकाउंट में कंट्रीब्यूट किया, ये आपके लिए इनकम अंडर द हेड सैलरी है. मैंने आपके अकाउंट में डिपॉजिट किया, ये इनकम अंडर द हेड सैलरी है. ठीक है, आपके लिए इनकम है, पर मेरे लिए तो एक्सपेंडिचर है दोस्त. और मैंने जो पैसे आपको जमा किए, ये आपके अकाउंट में मैंने क्या किया है,
आपके अकाउंट में जमा करना है। मेरे लिए जो एक्सपेंडिचर है इसके लिए उन्होंने क्लियरली एक बात की है कि टीडीएस का जो प्रोविजन सेक्शन 192 में टीडीएस ऑन सैलरी है, उस वो टीडीएस का प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ टीडीएस हो जाना चाहिए। अगर प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ टीडीएस नहीं किया गया तो हम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ को डिजल आउट करेंगे। ये वो सेक्शन है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जहां तीन सेक्शन मर्ज होते हैं। नंबर वन, फंड मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड। तीन सेक्शन निकलते हैं, फंड जो होगा वो रिकॉग्नाइज होगा, नहीं तो 48(7) और 49 में डिजल आउट होता है। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ टीडीएस होना चाहिए, नहीं तो 48(4) में डिजल आउट हो जाएगा। एंड ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के पहले पैसे भी जमा हो जाना चाहिए, नहीं तो 43B में डिजल आउट होगा। मतलब एक सेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने तीन डिजल आउट के प्रोविजन खड़े किए हैं। आई एम गिविंग द नोट्स, अगर मैंने क्लास में लिखाया था, आई होप मैंने लिखाया होगा। हाँ देखो, मैंने लिखाया हुआ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ अप्रूव सुपर एनुएशन फंड एंड अप्रूव ग्रेजुएटी फंड सेक्शन 36(1), 4, and 5। Contribution must be made to recognize fund, otherwise disallowed in A7, A9. A arrangement of proper TDS, otherwise disallowed in 40, subsection A, clause 4. Contribution must be made on or before due date of filing or return, otherwise disallowed in section 43B. Very powerful section. आपको तीन तीन चीजें याद रखनी है, ठीक? Next, 5. Tax paid on non-monetary perquisite. मैं इसको सिंपल तरीके से ले। अगर मैंने आपका टैक्स मैंने दिया है तो ये आपके लिए परक्यूजिट है। बोला यस सर, ये आपके लिए परक्यूजिट है। बट अगर मैं टैक्स और नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट देता हूं आपके बिहाफ में मैं अगर नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट देता हूं तब क्या होगा? तो आपके बिहाफ में अगर मैं नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स देता हूं तो डिपार्टमेंट कहता है कि ये इंप्लॉय के हाथ में एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(10CC), यानी टैक्स पेड बाय इंप्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर संदीप राज इन इंप्लॉय, दैट इज एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ संदीप राज अंडर सेक्शन 10(10CC), बट इट इज गोइंग टू बी डिसअलाउड एक्सपेंडिचर इन माय हैंड। ये मेरे लिए डिसअलाउड एक्सपेंडिचर है 40A(5). सर, इन केस ऑफ 40A(1) पेमेंट टू एनआर इज इंक्लूडेड एंड व्हाई दे हैव नॉट मेड अ स्पेशल सेक्शन फॉर सैलरी टू एनआर। दिस बेटा, एक बात आप नहीं समझे, 40A(1) आपने जो क्वेश्चन पूछा उसको मैं आधे क्लियर करता हूं। देखो बेटा, 40A(1) इज स्पेसिफिकली फॉर एनआर। स्पेसिफिकली फॉर एनआर हो, किसके बारे में बात करें? इंडिया के बाहर अगर आप पेमेंट करते हो एनआर को और इंडिया के भीतर एनआर को पेमेंट कर, तो ये है। और 40A(3) को अगर आप ध्यान से देखो तो 40A(3) इंडिया के बाहर किसी को भी पेमेंट करो, इंडिया के बाहर सैलरी पेमेंट करो। यहाँ पे उन्होंने एनआर और रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट को नहीं किया है। हाँ, इंडिया में उन्होंने कहा है कि एनआर को पेमेंट करो। क्यों ऐसा कहा इंडिया को पेमेंट करने? क्योंकि अगर मैं रेसिडेंट को पेमेंट करता हूं इंडिया में तो उसके लिए 40A(1A) है। आई बात समझ में आदिश? अगर इंडिया में मैं रेसिडेंट को पेमेंट करता हूं उसके लिए 40A(1) है, पर मैं इंडिया के बाहर रेसिडेंट को पेमेंट करता हूं उसके लिए 40A(1A) नहीं है, क्योंकि 1 इज ओनली फॉर एनआर। इसलिए उन्होंने क्या किया, टीडीएस ऑन सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया, किसी को भी पेमेंट कर दो, आपको टीडीएस का अरेंजमेंट करना है। और अगर इन एनआर को पेमेंट आपने इंडिया में किया तो विदाउट टीडीएस। अब आप समझ रहे हो दोनों चीजें, इसलिए इस प्रोविजन को अलग से बनाना पड़ा। आई बात समझ में? बिकॉज इफ आई से इफ मिस्टर जैन जी इज appointed outside India, I am paying the salary to Mr. Janji, a resident, and without TDS, तो मैं कहाँ आता? यहाँ आ नहीं सकता था क्योंकि NR के लिए, या आ नहीं सकता क्योंकि ये in India में है, तो मेरे उसके लिए मुझे एक अलग से provision बनाना पड़ा। बोलिए, everybody is happy or not happy? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये खाली मैं बोल रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ, आप सुन रहे हो? हेलो पिनाक, स्वीटी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए तीन प्रोविजन बनाए गए हैं। आप अभी केवल इस बात को समझो, एक तो 43B में है कि रिटर्न फाइल करने के पहले पेमेंट हो जाना चाहिए अलाउड, फिर उन्होंने कहा है टीडीएस का प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाना चाहिए अलाउड। तो अगर आप या तो आप 43B में फंस जाओगे, अगर आपने ड्यू डेट के पहले नहीं किया तो 43B को कॉन्ट्राडिक्ट करोगे।
अगर आपने प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ टीडीएस नहीं किया तो 40A-4 को कॉन्ट्राडिक्ट करोगे, और अगर आपने रिकॉग्नाइज फंड में नहीं किया तो आप 40A-7 और A-9 को आप क्या करोगे, कॉन्ट्राडिक्ट करोगे। तो बड़ा बड़ा जटिल वाला सेक्शन है, एक जगह से निकले आसमान वाली बात है, खजूर आसमान से गिरे खजूर में अटके, खजूर के पेड़ से गिरे तो दलदल में फंसे, वाला सिचुएशन है इस सेक्शन का। तो तीन तीन सेक्शन को वो कवर कर रहा है एक साथ। चलिए आफ्टर 40 का सीरीज 40A सबसेक्शन 2 पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन। अगर आप किसी स्पेसिफाइड पर्सन को और रिलेटिव को पेमेंट करते हो, रिलेटिव कई लोग हम लोग रिलेटिव बोलते हैं, बट एग्जैक्टली द वर्ड और इनएक्टमेंट इज स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड पर्सन के लिए उन्होंने कहा कि जो डिसअलाउड होगा वो कितना होगा, जितना आपने पेमेंट किया है माइनस फेयर मार्केट वैल्यू। कि आप अपने रिलेटिव को ज्यादा पेमेंट करोगे हम छोड़ेंगे नहीं आपको। ओके सर, तो ये तो बड़ा सिंपल सा सेक्शन है, दो लाइन का है, इसमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, पर मैंने इसको थोड़ा डेवलप कर दिया अपने स्टाइल में। इंडिविजुअल के लिए कौन है रिलेटिव या स्पेसिफाइड पर्सन, मैंने कहा रिलेटिव जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 में जो डेफिनेशन है, मम्मी पापा भाई बहन लीनियर असेंडेंट एंड डिसेंडेंट। कंपनी के लिए कौन, डायरेक्टर, यहां तक गाड़ी ठीक थी। कंपनी के लिए कौन, डायरेक्टर, यहां तक गाड़ी ठीक थी, पर उसे रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, और ये रिलेटिव किससे रिलेटेड, 241 के रिलेटिव, बताओ उसके मम्मी पापा वो मेरे से क्या लेना देना है, फिर भी वो कंपनी का स्पेसिफाइड हो जाता है। फर्म पार्टनर तक ओके है। अब पार्टनर के जितने रिलेटिव है वो भी मेरे स्पेसिफाइड पर्सन। एओपी बीओआई में मेंबर मेरे हैं, पर मेंबर के जितने रिलेटिव है वो भी स्पेसिफाइड पर्सन। एचयूएफ में जितने फैमिली मेंबर है वो तो रिलेटिव हैं। इंडिविजुअल के लिए लिखा, जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूं और मान लो विजय का एक बिजनेस है, मैं अगर उसके बिजनेस में 20% से ज्यादा अगर वोटिंग पावर या पीएसआर रेशियो यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो मैं स्पेसिफाइड हूं, या मेरे किसी रिलेटिव का भी है तो मैं भी स्पेसिफाइड हो जाऊंगा, बताइए। तो ये स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन उन्होंने दी है, और स्पेसिफाइड पर्सन की जो डेफिनेशन दी है, अगर आपने उनमें से किसी को पेमेंट किया मार्केट वैल्यू से ज्यादा तो डिसअलाउड। तो जैन जी का क्वेश्चन है, बट सर इफ सेल गुड्स ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 200 एट 150 टू माई ब्रदर इज दिस सेक्शन अट्रैक्टेड? नो सेक बेटा, दिस सेक्शन इज रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर। ये सेक्शन केवल एक्सपेंडिचर के लिए है, दिस इज नॉट रिगार्डिंग कि आपने 200 रुपए का प्रोडक्ट को 150 में सेल किया, ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट 48(3)(3)A, याद रखो एक दिन में एक आदमी को एक बिल में, सांभा कितने आदमी थे, बोला एक, बिल कितना था सांभा, बोला एक, और दिन कितने थे सांभा, बोला एक, तीनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई अगर होगी तो, और आप 10,000 के ऊपर कैश में पेमेंट कर रहे हो तो पूरा का पूरा डिसअलाउड। यानी कि 10,000 के ऊपर अगर आपको पेमेंट करना है तो आप चेक में अकाउंट पे चेक या अकाउंट पे डीडी में करो। कितने आदमी थे सांबा, एक, दिन कौन सा था, बोला एक, बिल कितने थे, बोला एक, तो ये तीनों कंडीशन साथ में होनी चाहिए। कोई भी एक कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट करेगी तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। बट देयर इज अ 3A, ए पेमेंट इज मेड टू ए पर्सन एंगेज इन प्लाइंग हायरिंग लीजिंग ऑफ ट्रक्स, देन दिस 10,000 इज इंक्रीज टू 35,000। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा देता हूं, तो इससे आप कभी गड़बड़ मत करना। आई होप आई कैन टेक आदिश। देखो दिस FAQ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। परचेज ऑफ मटेरियल 18,000, उसका फेयर मार्केट वैल्यू 8,000, फ्रॉम स्पेसिफाइड पर्सन आपने कैश में पेमेंट किया। अब इसको देखने से लगता है दो सेक्शन अट्रैक्ट हो रहे, एक स्पेसिफाइड पर्सन 48(2) एंड 48(3) फॉर कैश, बट वी वेरी केयरफुल बिकॉज 48(2) ओवरराइड 48(3). 48(2) में कितना डिसअलाउड होगा, 10,000, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, हो गया। अब आप 48(3) एप्लीकेबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप 18,000 से किसी को डिसअलाउड करते हो, और लॉजिक की बात है मरे हुए आदमी को मारा नहीं जा सकता है, अगर मैं ऊपर चला गया तो क्या आप मुझे मार सकते हो, नो। तो अगर कोई एक्सपेंडिचर पहले से डिसअलाउड है तो फिर से डिसअलाउड नहीं किया जा सकता है। आपने 18,000 से जैसे ही 10,000 को डिसअलाउड किया, अब कितना बच गया, 8,000 रुपीस। 8,000 इज लेस देन 10,000, सो दिस सेक्शन इज नॉट गोइंग टू बी अट्रैक्टेड।
दिस सेक्शन इज नॉट गोइंग टू अट्रैक्टेड, ध्यान रखना। अगर ये 18 से जैसे आपने 10 किया, एक सेक्शन को डिजल आउट किया, बचा कितना 8000, दैट इज लेस देन इक्वल टू 10000, तो आप ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। बोलो दिस इज क्लियर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप सब पूछो जल्दी से, बोलो क्लियर है। संदीप, आदिश, ऋचा जी, पवित्रा, निहारिका, अंगेश, ये बहुत गलत बात है दोस्तों, बहुत गलत बात है। क्लास कर रहे हैं एक लोग और रिप्लाई कर रहे हैं चार लोग, वेरी बैड। ये तो एलवीसी में मुझे उस बात पे गुस्सा आता था, याद है ना उस सब है गौरी मुस्कान की। एलवीसी में भी मैं ये बात कहता था पूरे इंडिया को कि भैया रिप्लाई करो। संदीप फ्रॉम पटना, आई थिंक मैं सैटेलाइट में भी सबको बोलता हूँ रिप्लाई सबको ही किया करो। 10,000 से ज्यादा होगा तभी ये प्रोविजन आएगा ना रुतुल। अगर मान लो यहां पे, मान लो मैं एक एग्जांपल, जब आपने पूछा है रुतुल भाई तो मैं आपको तो निराश नहीं करूंगा, मुझे ये पता है। अगर मान लो इसी एग्जांपल में फेयर मार्केट वैल्यू, इसी एग्जांपल में अगर फेयर मार्केट वैल्यू 12,000 होता तो क्या होता, आपके मन में ये इच्छा आई होगी? हाँ, आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा सर अगर फेयर मार्केट वैल्यू, तो फेयर मार्केट वैल्यू अगर होता तो 48,2 को पहले लेते, कितना डीजल आउट करते बेटा 18,6000, ठीक है बेटा 6000, और फिर हम 48,3 की तरफ जाते हैं। चलो 18 से 6 डीजल आउट हो गया, कितना बचा 12,000 इज मोर देन 10,000, 12,000 यहां डीजल आउट होता। आई थिंक सुपर क्लियर, आई थिंक सुपर क्लियर। ओके देखो, ए बिल इज रेज फॉर एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 2 लाख। आपने एक बिल रेज किया 2 लाख का, आपने पेमेंट कैसे किया, 1st अगस्त को 10, 2nd अगस्त को 10, 3rd अगस्त को 10, 4th अगस्त को 10, 5th अगस्त को 160। 10 10 10 है, लेस देन है तो अलाउड नहीं होगा। पर 5 तारीख को बिल एक है, इंसान एक है और दिन एक है, 1,60,000 किया है तो पूरा का पूरा डिस अलाउड होगा। अब देखो बिल नंबर 1 2 3, आपके पास 3 बिल है। बिल नंबर 1 का पेमेंट है 9,000, बिल नंबर 2 का पेमेंट है 9,000, बिल नंबर 3 का भी पेमेंट है 10,000। क्या सेक्शन 48(7) आएगा, 48(3) आएगा? टोटल पेमेंट आपने क्या 28,000 एक दिन था, पर ये सेक्शन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बिल अलग अलग थे और एक भी 10,000 के ऊपर नहीं था। सुपर क्लियर? यस सर, सुपर क्लियर। जब आप इस सीरीज में आते हो, आप बताओ आपको इजी लगा या बीपी या टफ लगा? व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस और प्रोफेशन, जब आप बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहे हो और आपको ये पता है कि एक्सपेंडिचर अलाउड की बात सर कर रहे हैं, और आज के बाद आप मुझे बताओ एक्सपेंडिचर डिसअलाउड और अलाउड की बात मैं करूं, तो एक्सपेंडिचर डिसअलाउड में आपके पास जो सीरीज है वो 40A की सीरीज है। 40A1 भी हो सकता है, 1A भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, या फिर 48(2) भी हो सकता है और 48(3) भी हो सकता है, 48(3) भी हो सकता है, 3A भी हो सकता है, 48(7) और 48(9) भी हो सकता है, देयर इज नो इशू एट ऑल, और सेक्शन 43 भी हो सकता है। बताइए आपको इतनी सारी चीजें पढ़ने में कितना टाइम लगा, और सेक्शन 44A भी हो सकता है, 44A भी हो सकता है, AD भी हो सकता है, ADA भी हो सकता है और AE भी हो सकता है। बताइए, यू फाइंड एनी टाइप ऑफ, 3 अलग अलग बिल होने से रुतुल ये सेक्शन आएगा ही नहीं बेटा।
तो आई मैंने कल आप लोगों से कहा था कि आज बीपी का ढंग से रिवीजन कर लो, मैं उम्मीद करता हूं उसके बाद आपको, यस आदेश जन आई विल, 44AD4 ढंग से सुनना। 44AD4 बोलता है कि अगर आपने 18 प्रीवियस ईयर 18 और 19 में अगर आपने एडी को फॉलो किया तो नेक्स्ट 5 इयर्स तक आपको एडी फॉलो करना है। सपोज नेक्स्ट ईयर के बाद वाले ईयर 18, 19, 19, 20 एंड 2021 में आपने एडी को स्टॉप किया और आपने कहा नहीं मैं एक्चुअल में जाऊंगा, तब डिपार्टमेंट कहता है कि 2021 के बाद नेक्स्ट 5 इयर्स तक आप एडी को फॉलो कर नहीं सकोगे, ठीक है। और प्लस आपको अगर उस सेक्शन में जाना है तो आप टैक्स ऑडिट कराओ अगर आपकी इनकम 2,50,000 के ऊपर है तो, और बुक्स अकाउंट आपको मेंटेन करना ही है। बोलिए, दिल से बोलिए, मुझे बोलने के लिए नहीं बोलिए, अब दिल से बोलिए, सच बोलिए, क्या बिजनेस और प्रोफेशन चैप्टर आपको इजी लग रहा होगा या नहीं? बेटा 4-5 AY और PY आप उसका कैलकुलेशन तो एक ही कैसी बातें करते हो आदेश है बेटा, कैसी बातें करते हो, क्या उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? देखो प्रीवियस ईयर 18-19 है तो मैंने असेसमेंट ईयर भी सिखा दिया, चलो 18-19 करो या असेसमेंट, बात तो एक ही है। चलिए अब हम आ रहे हैं एक्सपेंडिचर अलाउड, ये इंडेक्स डेफिनेटली देखो व्हाट इट सेज, एक्सपेंडिचर इज अलाउड सेक्शन 30, 31, 32, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 एंड 36 एंड 37 सबसेक्शन 1। सेक्शन 20 इज रिगार्डिंग इनकम एंड 29 इज चार्जेबिलिटी। सेक्शन 30 एंड 31 सेज रेंट रेट्स टैक्सेस, जैसे बेटा रेट्स एंड टैक्सेस वर्ड आएगा तो 43 भी आएगा, ठीक, रेंट भी है, रेट्स भी है, इंश्योरेंस भी है, रिपेयर्स है और बिल्डिंग है। ये वो बिल्डिंग है जिसमें आप रहते हो, नहीं, ये वो बिल्डिंग है जिसमें आप बिजनेस और प्रोफेशन कैरी ऑन करते हो, ये वो बिल्डिंग है जहां बिजनेस और प्रोफेशन को कैरी ऑन करते हो, यू आर इंगेज इन, दिस इज अ फंडामेंटल अजम्पशन एट द टाइम, द बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन, इंसिडेंटल बिजनेस फॉर प्रोफेशन। ये एक्सपेंडिचर उन्होंने सेक्शन 30 में कहा है अलाउड, यानी कि डोंट टच मी। बेटा ये पेमेंट इज मेड बाई चेक आफ्टर डेट ऑफ 139, आपने बेटा आपने अभिषेक आपने उस प्रोविजन को ही गलत तरीके से ले लिया है, आपने प्रोविजन को गलत तरीके से लिया है, आप उसको ढंग से समझिए। अभिषेक श्रीवास्तव मैं आपको समझाता हूँ वर्ड्स 44AD, प्रेजम्पटिव इनकम इज 8% बट आफ्टर डीमोनेटाइजेशन द अरुण जेटली सर इंट्रोड्यूस अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोविजन की अगर आप, मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो अकाउंट पे चेक या अकाउंट पे डीडी या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग मोड के हिसाब से बैंकिंग रेगुलेशन में आती है और वो आ जाती है रिटर्न फाइल करने के पहले अगर हो जाता है वो पेमेंट मुझे, ठीक, तो वो क्या होगा, वो 6% होगा इनकम, 6% वो इनकम होगा, ठीक है ना। आप अपने एंगल से सोचो, आपने पेमेंट वर्ड क्यों यूज किया बेटा, आप डोंट यूज द वर्ड पेमेंट, आप ये सोचो रिसिप्ट अगर मुझे रिटर्न फाइल करने के पहले अगर मिल जाती है वो अकाउंट पे ही चेक या अकाउंट पे डीडी या इलेक्ट्रॉनिक क्लेइंग मोड के हिसाब से, देन माय ग्रॉस रिसिप्ट इज गोइंग टू बी 6%। क्लियर है अभिषेक, डोंट यूज द वर्ड पेमेंट, पेमेंट तो आप थोड़ी कर रहे हो, आप अपनी इनकम के बारे में सोचो, अपने लिए सोचो, अपने लिए कि अगर मुझे जनरली 8% पर अमाउंट इज रिसीव्ड, ओके है अभिषेक उत्सव, ये मैंने आप लोगों को ये सेम क्वेश्चन आपने मुझसे एलवीसी में भी पूछा था, इंस्टीट्यूट में भी एक क्लास में आपने पूछा था और मैंने उस समय भी बताया था आपको,
ठीक है पवित्र, अभिषेक वॉज नॉट राइट बेटा, सपोर्ट करो अपने मित्र को, पर अपने सर को भी सपोर्ट करो, कभी कभी तो हमें भी सपोर्ट करना चाहिए ना। आइए, उस सब ने पूछा है क्वेश्चन कि सपोज सर 50 लाख रुपीस का मेरा ग्रॉस रिसिप्ट है, उसमें से 20 लाख रुपीस मेरा अकाउंट पे चेक में आया है, 30 लाख रुपीस मेरा कैश में आया है, तो क्या होगा? तो उस केस में 20 लाख जो अकाउंट पे चेक में आया रिटर्न फाइल करने के पहले जितना आ गया उसका 6% लेंगे, बाकी जो 30 लाख है उसका हम 8% लेंगे। क्लियर है ब्लैक स्टोन? एनी क्वेश्चन बेटा? मिस्टर साफिक फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, बहुत सुपर क्लियर, थोड़ा क्लियर, हेवी क्लियर, जो डाउट है पूछ लो, ये मौका फिर ना मिलेगा। अच्छा आदिश यू क्लियर बेटा? आदिश जैन 44AD यू क्लियर? 44AD सबसेक्शन 4 क्लियर? सब क्लियर? देखो अब ये सेक्शन को भी मैंने बड़े इंटरेस्टिंग, मेरे ख्याल से मैंने उसमें भी चार्ट बनवाए थे, हैं उस सब मैंने लाइव क्लासेस में भी चार्ट बनवाए थे। विजय गणेश आई विल डील विथ दिस, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, जब मैं 44AD को प्रॉपरली डील करूंगा ना बेटा, जब AD प्रेजेंटिंग करता हूँ वो पॉइंट डील करूंगा, अभी तो मैंने एक ओवरव्यू दिया था ना, तो 44AD ये लोग क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया, AD वॉज ओवरव्यू, मैं AD को अभी मैंने ओवरव्यू दिया कि AD में कब आप फॉल करते हो कि आपको 44AB में आना पड़ता है। यस ओके अभिषेक बताता हूं बेटा, सेक्शन 30 देखिएगा, वेरी सिंपल, सेक्शन 30 इज रिगार्डिंग रेंट टू रेट्स टैक्सेस रिपेयर्स इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। मैं बता रहा हूं रेंट टू रेट्स टैक्सेस रिपेयर्स इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग सबसे पहले चेक करो कि ओन बाय द SSC है या आपने भाड़े पे ली है, अगर आपका खुद का बिल्डिंग है अपने आप को आप रेंट पे नहीं कर सकते, रेंट पे टू योरसेल्फ ये तो नॉशनल हो गया ना, अपने आप इंसान अपने आप को ही रेंट पे कर रहा है, कल से बोलेगा इंटरेस्ट पेड टू मायसेल्फ, है तो दिस इज अ डिसअलाउड, बट यू आर पेइंग द रेंट एज अ टेनेंट 100% अलाउड इन द PL। रेट्स एंड टैक्सेस, वन टैक्सेस इज देयर, इट इज अलाउड इफ पेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इंश्योरेंस नो रिस्ट्रिक्शन 100% अलाउड, बट इन केस ऑफ बिल्डिंग इफ अगेन यू हैव टू चेक, बिल्डिंग इज ओन बाय द SSC टेकन ऑन हायर, अगर बिल्डिंग आपकी खुद की है, कैपिटल रिपेयर्स आपने किया है, कैपिटल रिपेयर्स का मतलब एग्जिस्टिंग एसेट में वैल्यू एडिशन, तो डिसअलाउड अंडर सेक्शन 30 बट अलाउड अंडर सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन, जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो ओपनिंग एड परचेज एड एडिशन, दिस इज एडिशन, आप अलाउड करो। रेवेन्यू रिपेयर्स चाहे वो टेनेंट हो या ओनर हो, दोनों के लिए 100% अलाउड इन द सेम सेक्शन। कैपिटल रिपेयर्स अगर टेनेंट करता है PL में तो डिसअलाउड हो गया सेक्शन 30, पर दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 कहता है कि सर 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 कहता है कि अगर टेनेंट ने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको डीम्ड बिल्डिंग मान के उसको डिप्रिसिएशन मिलेगा। वाओ, रिपेयरिंग इज द बेस्ट थिंग। ठीक, फिर सेक्शन 31, सेक्शन 31 सेज दे यूज अवर रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ओनली, उन्होंने केवल दो वर्ड यूज किए सेक्शन 31 में, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ओनली। उन्होंने सोचा इंडिया बड़ी कंट्री है, इंडिया महान कंट्री है, इंडिया में कोई भी प्लांट एंड मशीन या फर्नीचर भाड़े पे लेके बिजनेस नहीं करेगा, सबका खुद का होगा। बेटा ब्लैक स्टोन द क्वेश्चन मैं समझा नहीं बेटा, वो क्वेश्चन नहीं समझा, बस प्लीज एक क्वेश्चन को थोड़ा सा और फॉर्मुलेट करके बोलोगे तो मैं समझा सकूंगा। अब आप बताओ क्या ये संभव है, इंडिया में जो जितने बिजनेस है उसके 90% बिजनेस ऐसे हैं जहां पे
अगर आप ध्यान से सोचो तो उसमें प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर कहीं ना कहीं हायर पे है। इन्होंने रेंट वर्ड ही मिसिंग है, रेंट वर्ड को ही उन्होंने हटा दिया। उन्होंने खाली लिखा कि अगर आप कैपिटल रिपेयर्स करते हो तो डिप्रिसिएशन, रेवेन्यू रिपेयर्स करते हो तो पीएल में आप चार्ज कर सकते हो। तब हमने पूछा, सर अगर हमने भाड़े पे लिया तो क्या होगा, भाड़े पे लिया तो क्या होगा? अब ये जो मैंने भाड़े पे लिया तो रेंट पे करूंगा, रेंट पे करूंगा तो इस सेक्शन में तो डिडक्शन है नहीं। तो उसके लिए उन्होंने कहां डाल दिया मुझे, सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 यानी कि जनरल डिडक्शन, जनरल बॉगी। अब इंश्योरेंस इज डिडक्टेबल, देयर इज नो इश्यू एट ऑल। इंश्योरेंस इफ यू पेड फॉर बिल्डिंग और इफ यू पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर 100% डिडक्टेबल, कोई उसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब मुद्दा है सेक्शन 37(1) जनरल डिडक्शन। मेरे जैन भाई जी को दिल्ली से श्रीनगर जाना था, मुझे ही जाना था सफीक भाई से मिलने के लिए। जब मैं सफीक भाई से मिलने के लिए जा रहा था तो मैं काउंटर पे पहुंचा और मैंने जाके कहा, फर्स्ट एसी की टिकट है क्या? उसने कहा नहीं, फर्स्ट एसी की टिकट नहीं है। फिर उसने कहा सेकंड एसी की टिकट है? मैंने पूछा मुझे सफीक भाई से मिलने जाना है, बड़े प्यारे हैं, मुझे बुलाया नहीं है फिर भी मैं जा रहा हूं जबरदस्ती, आप मेहमान गले पड़ जा। तो फिर मैंने कहा सेकंड एसी की टिकट दे दो दोस्त। उसने कहा नहीं, सेकंड एसी की भी नहीं है। अच्छा दोस्त थर्ड एसी की दे दो। उसने कहा नहीं, थर्ड एसी की भी नहीं है। अरे दोस्त स्लीपर दे दो यार, मुझे मिलने जाना है। बोला वो भी नहीं है। एक काम करो दोस्त, टिकट तो दे दो, टिकट तो दोगे ना? मैंने टिकट ले ली और जाके स्लीपर यानी कि जनरल बॉगी में ऐसे जाके खड़ा हो गया। जब पहली बार जनरल बॉगी में कोई भी जाता है बेचारा डर के मारे ऐसे खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता वो खड़ा कहां रहे, क्योंकि जहां खड़ा रहता है उसी वही धक्के मार दिया जाते। पर मैंने देखा कुछ लोग आराम से ऊपर बैठ के चप्पलों को पंखे पे लटका के खूब मस्ती करते हुए जा रहे हैं, इसका मतलब वो लोग रेगुलर पैसेंजर हैं। कई लोगों को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एकदम दिमाग में सेट कर दिया जाता है कि वो इनकम जो सैलरी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, बिजनेस नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है, वो अदर सोर्स में जाएगी। ये कहां से सीखा आपने, ये क्यों सीखा आपने? क्यों जनरल बॉगी में केवल क्या वो लोग जाते हैं जिनको कहीं टिकट नहीं मिली? 80% क्राउड ऐसा भी होता है जिनको टिकट जनरल बॉगी की ही कटाते हैं। ठीक उसी तरीके से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कुछ इनकम ऐसी है जो कहीं जा ही नहीं सकती है। अगर आपको ध्यान होगा, डिविडेंड हो गया, विनिंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हो गया। ठीक उसी तरीके से एक जनरल बॉगी बिजनेस और प्रोफेशन में भी है। जनरल बॉगी को खड़ा करना उनका बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन के आ गया कि सर सेक्शन 37 ये क्या है, इसमें 7 कंडीशंस दी गई है। कितनी कंडीशन? 7। उन 7 में से 3 कंडीशन आपसे याद नहीं होगी और मैं समझाऊंगा भी तो आप समझोगे नहीं। मैं आपको 4 कंडीशन बताता हूं, वो याद कर लो क्योंकि एग्जाम में ये शॉर्ट नोट्स भी आता है सेक्शन 37(1) में। पक्का याद करोगे? रेडी? देखो 4 कंडीशन, बाकी 3 गोली मारो। अपने को 100 में 99 नहीं लाना, 100 में 90 लाने से भी चलेगा। पहली कंडीशन, जो खर्चा होगा वो रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, यानी कि कैपिटल नेचर का नहीं हो सकता है। 1। जो एक्सपेंडिचर होगा वो पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए। 2। जो एक्सपेंडिचर होगा वो नॉशनल या फिक्टिशियस नहीं होना चाहिए। 3। चौथा, जो एक्सपेंडिचर होगा वो प्रोहिबिटेड बाय द लॉ और ऑफेंस ऑफ द एक्ट नहीं होना चाहिए। ये 4 याद हो गया। पहला, 37 में नहीं आना चाहिए, 32-36 में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहां आ जाता अगर मुझे फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी की टिकट मिल जाती मैं जनरल बॉगी में क्यों चढ़ता यार। तो दस एक्सपेंडिचर डज नॉट फॉल इन सेक्शन 32-36, इट मस्ट नॉट बी पर्सनल इन नेचर, ये पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी नॉशनल एंड सॉर्ट ऑफ, मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय द लॉ और ऑफेंस ऑफ द एक्ट भी नहीं होना चाहिए। ये 4 याद हो गए, मेन याद हो गए। 30-36 में नहीं होना चाहिए, पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, ऑफेंस ऑफ द एक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, और नॉशनल नहीं होने चाहिए। ये 4 याद हो गए। आर यू श्योर? ये 4 फिंगर टिप पे याद हो गए। पर्सनल नहीं होना चाहिए यानी कि पर्सनल नहीं होना चाहिए, नॉशनल और रेवेन्यू नेचर का, नॉशनल कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। सही बात है यार, ये तो लॉजिक की बात है। 32-36 में नहीं होना चाहिए और प्रोहिबिटेड बाय द लॉ ऑफेंस ऑफ द एक्ट नहीं होना चाहिए।
ये चार अगर आपको याद है, बाकी तीन तो आप कर लोगे। बोला कैसे सर? रिलेटेड विद बिजनेस होना चाहिए, इंसिडेंटल टू बिजनेस होना चाहिए, और इनकर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होना चाहिए। ये तीन तो कॉमन फंडामेंटल है ना, बिजनेस से रिलेटेड, इंसिडेंटल टू बिजनेस एंड इनकर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। जब बेटा प्रोहिबिटेड बाय द लॉ बोलते हैं ना निहाल, तो उसका मतलब इलीगल होता है बेटा। व्हेन आई यूज द वर्ड प्रोहिबिटेड बाय द लॉ ऑफेंस ऑफ द एक्ट, तो बेटा वो इलीगली हो जाता है। इलीगल किसको कहते हैं? जो प्रोहिबिटेड बाय द लॉ होता है उसे इलीगल कहते हैं, ठीक है निहाल। एवरीबडी इज क्लियर? द सेवन सिचुएशन, सेवन कंडीशन आर गिवन। अगर आपको सातों कंडीशन अगर आपको याद हो गई हो तो बताइएगा। है रेवेन्यू नेचर का नहीं होना चाहिए, सॉरी रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, पर्सनल या नॉशनल नहीं होना चाहिए, 30 से 36 में नहीं आना चाहिए, प्रोहिबिटेड बाय द लॉ और ऑफेंस ऑफ द एक्ट नहीं होना चाहिए। बाकी तीन रिलेटेड विद बिजनेस, इंसिडेंटल टू बिजनेस एंड इनकर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बोलो जनरल बॉगी में जाना है तो समझ गए। तो इफ यू पे द रेंट, If you are pay the, you are paying the rent for plant and machinery and building, per plant, machinery or furniture, this is allowed in section 37 subsection 1. पर उसको allowed करने के पहले आप CS expenditure disallowed है बेटा, disallowed है। आगे बढ़िए, ठीक? तो section 30 के बाद 31, 32 is a depreciation. सेक्शन 35 की सीरीज है, पहले आप सेक्शन 36 कर लीजिए, क्योंकि 36, यस यस, वट एवर यू हैव डाउट यू कैन आस्क, यू आर आस्किंग द डाउट आदिश, इतनी देर से आप अपने डाउट पूछ रहे हो। पहले आप सेक्शन 36 की सीरीज को कर लो, ठीक है। सेक्शन 36 की सीरीज को पहले कर लेते हैं हम लोग। आइए, ये कहां गया, बेटा अजीब अजीब क्वेश्चन कर रही हो पवित्रा राउत, 34 35 AD, कहीं से भी उठा के। इसीलिए यही प्रॉब्लम है आप लोगों में, कोई भी सेक्शन उठाए और आप पूछना चालू कर देते हो। सीक्वेंस में पढ़ा करो। सर इफ आई डिक्लेयर इनकम लेस देन द प्रेजम्प्टिव, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रीटमेंट एंड एडी एई और एडीए। एडी और एई में एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है एडी और एई में, कि आप टैक्स ऑडिट में जाओगे अगर आपकी इनकम 2,50,000, 3 लाख और 5 लाख के ऊपर होनी चाहिए। एडीए में ये वर्ड मिसिंग है। और बोलो क्या क्या बेसिक फंडामेंटल क्या आपको चाहिए, ठीक है ना। अरे देखिए, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1, इंश्योरेंस। हर इंसान, हर बिजनेसमैन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका स्टॉक होता है। स्टॉक के इंश्योरेंस दोगे अलाउड वन में। वन ए, एक कॉपरेटिव मिल्क सोसाइटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो कैटल की लाइफ होती है, अलाउड है। वन बी, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के ऊपर मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है बाई चेक, 100% अलाउड है। 3, 2, बोनस एंड कमीशन अलाउड, बट इट मस्ट बी पेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, 43B. 3, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के लिए जब आप जाते हो तो इसमें कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट की कुछ बातें लिखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने माधव प्रसाद जटिया, डिटेल्स ऑफ ऑल बिजनेस इज नॉट इंपॉर्टेंट आदिश, ओनली द, मैं आपको एडी ऐसा सिखा दूंगा आप भूलोगे नहीं, जस्ट लिसन प्रॉपरली, अभी जहां हो वहीं पे सुना करो। ये पढ़ाई की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। व्हेन यू आर रिवाइजिंग 100% कंसंट्रेशन दैट सेक्शन ओनली, उस समय आपके दिमाग में कुछ और सेक्शन चल रहे हैं तो आप यहां के भी नहीं रहोगे, वहां के भी नहीं रहोगे, ठीक है। ध्यान से आपको समझना इस चीज को। आप अभी सासी कंसंट्रेट 36, तो डेफिनेटली एडी भी आएगा थोड़ी देर बाद। यस यस निहाल, यस। नेक्स्ट, अब आप बताओ, माधव प्रसाद जटिया का एक केस स्टडी था, सुप्रीम कोर्ट ने उस केस स्टडी में 3 पॉइंट दिए इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के लिए। पॉइंट नंबर 1 उन्होंने दिया, लोन मस्ट बी बोरोड,
पॉइंट नंबर टू दिया इंटरेस्ट मस्ट बी पेड और पेएबल, एंड थ्री दिया लोन मस्ट बी बोरोड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये तीनों कंडीशन को पढ़ने के बाद मुझे सुप्रीम कोर्ट पे हंसी आती है, आपने ये तीन पॉइंट बनाए, तीनों तो फंडामेंटल अजम्पशन है यार। अगर मैं बिल्डिंग घर बनाने के लिए लूंगा तो एचपी में लूंगा, कैसी कैसी कंडीशन बना लेते हैं। नो 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 अभिषेक, ये तो एक केस स्टडी से स्टार्ट होता है ये सेक्शन, इसलिए मुझे बोलना पड़ा, यू डोंट नीड टू गो विद द केस स्टडीज। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज अलाउड, देयर इज नो डाउट रिगार्डिंग दिस, बट इट मस्ट बी पेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न 43B के हिसाब से जाना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आप अगर आप समझ लो तो उतना ही गंगा नहा लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो आपके डिप्रिसिएशन चैप्टर में बहुत काम आएगी एक्चुअल कॉस्ट के कैलकुलेशन के समय, दिस इज, अगर एक नई कंसर्न है, मनी बोरोड आपने किया, एसेट आपने परचेज किया, एसेट को पुट टू यूज किया और कमर्शियल प्रोडक्शन, क्योंकि नया कंसर्न है तो कमर्शियल प्रोडक्शन के बीच में ट्रायल रन होगा, ठीक। तो इंटरेस्ट पे टिल द कमर्शियल प्रोडक्शन, कमर्शियल प्रोडक्शन तक जितना इंटरेस्ट आपने पेमेंट किया है, ठीक है ना, तो कमर्शियल प्रोडक्शन, अगर इंटरेस्ट पेड आपने कमर्शियल प्रोडक्शन तक किया है तो उसको आप कॉस्ट में ऐड करो और डिप्रिसिएशन क्लेम करो, कॉस्ट में ऐड करो और डिप्रिसिएशन क्लेम करो। पर अगर आपने आफ्टर कमर्शियल प्रोडक्शन पेमेंट किया है तो उसको आप पीएल में सेक्शन 36(1)(3) में आप उसे चार्ज करो। पर अगर ये ओल्ड कंसर्न है, ओल्ड कंसर्न में कमर्शियल प्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती, जस्ट पुट टू यूज आप कर दो, आपको काम हो गया, एक्चुअल यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो टिल पुट टू यूज जो भी आप इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे आप उसको कैपिटलाइज करोगे, बुक्स अकाउंट्स ये कॉस्ट में ऐड करोगे, डिप्रिसिएशन क्लेम करोगे, और आफ्टर पीएल जितना भी होगा आप उसे 36(1)(3) में चार्ज करोगे। बोलो, तो ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 34(1)(4) और (5) जो जो आरपीएफ के बारे में पूछ रहे थे आप इस ढंग से देख लीजिएगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड स्टाफ वेलफेयर स्कीम, ठीक से देखिएगा, अलाउड और डिसअलाउड, ठीक से देखो, द कंट्रीब्यूशन मस्ट बी मेड टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। आपका कंट्रीब्यूशन किसमें होना चाहिए, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, एम्प्लॉयर ने किसमें कंट्रीब्यूट किया, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, तब यह अलाउड होगा, और नहीं तो 48(7) और (9) में डिसअलाउड होगा। टीडीएस का प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाना चाहिए तब तो यहां अलाउड होगा, नहीं तो 40A(4) में मैंने पहले ही पढ़ा दिया, यह डिसअलाउड होगा। कंट्रीब्यूशन ड्यू डेट के पहले हो जाना चाहिए तब तो अलाउड होगा, अगर ड्यू डेट के बाद हुआ तो डिसअलाउड होगा, क्योंकि 43B है। अब किसी को इस सेक्शन में डाउट है, ऋचा जी एंड किसी और ने भी पूछा था, गणेश, अच्छा गणेश, एनीबडी हैव अ डाउट इन दिस सेक्शन, दिस इज अ यूनिक सेक्शन बेटा। पहले तो ये अलाउड में दो सेक्शन को कवर करता है, अलाउड करने की तीन कंडीशन है जो अलग अलग सेक्शन को कवर करती है, A7, A9 रिकॉग्नाइज होना चाहिए, A4, A5, A4, A40, A4 प्रॉपर अरेंजमेंट और टीडीएस होना चाहिए, और 43B में ड्यू डेट के लिए होना चाहिए। बोलो, बोलो, नेक्स्ट 5A, व्हाट इज 5A? ये एक डेंजरस सेक्शन है और इसका आईएफओ से कनेक्शन है। व्हाट इज 5A, ठीक से देखना, 5A की हेडिंग ही बड़ी इंटरेस्टिंग है। 5A says employees contribution, अभी तक तो मैं बीपी पढ़ रहा हूं तो employer contribution की बात करनी चाहिए थी, they started with the word employees contribution towards staff welfare expenses section 36 subsection 1 clause 5A read with 224 section 2 subsection 24 clause 10, ये तो income का section है। आप सोचो जो बात बोल रहा हूं उसको ढंग से समझना, ये आपके बड़े काम की चीज है, क्योंकि section 56 में भी इसका explanation है। मैंने आपके नाम पे कंट्रीब्यूशन किया, ये आरपीएफ है, ये मेरा एक्सपेंडिचर है, पर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट ऑफ सैलरी, जब मैं आपको सैलरी का पेमेंट कर रहा हूं तो मैं जितना कंट्रीब्यूशन मैं करूंगा उतना इक्वल अमाउंट मैं आपकी सैलरी से डिडक्ट करके रख लूंगा। पर जब आप अपनी सैलरी को कैलकुलेट करते हो नेट नहीं करते, उसको ग्रॉसअप कर लेते हो, और मैं सैलरी में अपना आपको जो मैंने सैलरी पेमेंट की है उसको मैं पीएल में खर्चा भी दिखाता हूं सेक्शन 37(1) में। पर एक इस दौरान एक चीज आप भूल गए, मैंने अपने पीएल में खर्चा दिखा दिया, आपने अपनी इनकम दिखा दी, पर इस बीच में वो जो पैसे मैंने डिडक्ट करके रखे तो वो मेरे हाथ में है ना,
वो पहला मौका, जब तक वो मेरे हाथ में है, जब तक वो मेरे हाथ में है तब तक वो है मेरी इनकम अंडर 2 सबसेक्शन 24 क्लॉज 10, या तो बीपी या अदर सोर्स। और मैं ड्यू डेट 143, 140, 139, वन नहीं, ड्यू डेट ऑफ पीएफ एक्ट के हिसाब से अगर मैंने उसे जमा कर दिया आपके कंट्रीब्यूशन को, एक्सपेंडिचर नलीफाई द इफेक्ट, बट अगर मैंने जमा नहीं किया ड्यू डेट ऑफ पीएफ एक्ट के हिसाब से, वो मेरी इनकम हो गई या तो बीपी या आईएफओएस। क्लियर? 5A, वेरी इंडिया, ये एम्प्लॉय का कंट्री, पहली नजर में इसे इनकम मानना है, ड्यू डेट ऑफ पीएफ एक्ट के हिसाब से जमा करना, अगर मैंने कर दिया तो ओके है, नहीं तो वो इनकम मान ली जाएगी। बोलो सर, बोलो। बोलो। अभिषेक आप कुछ भी करो, एसेट आपने परचेज किया है और क्वालिफाई एसेट है, तो क्या इंटरेस्ट ऐड होगा? पुट टू यूज और कमर्शियल प्रोडक्शन के पहले जो भी इंटरेस्ट है आपको ऐड करना पड़ेगा। AS 16 भी इसी बारे में बात करता है। प्रियांशु जायसवाल ने पूछा, व्हाट इज द ड्यू डेट? ड्यू डेट एज पर पीएफ एक्ट, अलग अलग एक्ट का अलग अलग डेट है बेटा, तो आपको स्पेसिफाइड एक्ट, क्योंकि स्टाफ वेलफेयर में ग्रेजुटी फंड भी आता है, पेंशन फंड भी आता है, तो उस स्पेसिफिक एक्ट के हिसाब से जो भी ड्यू डेट है उस एक्ट के हिसाब से आपको जमा करनी है। तो पीएफ एक्ट का डेट एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप चेक करते रहिएगा कब डेट और कब कंपनी ने जमा किया या नहीं किया। ठीक है अभिषेक, आपके क्वेश्चंस को एकदम अपने दिमाग में सेट कर लो, नो लेफ्ट एंड राइट, अपने दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को डाल लो कि न्यू और ओल्ड पुट टू यूज और कमर्शियल प्रोडक्शन के ऊपर जितना उसके पहले जो भी इंटरेस्ट है आप उसको कॉस्ट के संग ऐड करोगे, डिप्रिसिएशन लोगे, उसके बाद जो है वही पीएल में जाएगा। ये मैं नहीं कहता हूं दोस्त, आपका एक्चुअल कॉस्ट कहता है, एक्चुअल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरिंग कॉस्ट की बात करता है। चलिए 6, अलाउंसर डेड और यूजलेस एनिमल, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी एनिमल्स को यूज करती है, नॉट एज ए स्टॉक इन ट्रेड, याद रखना, डेड और यूजलेस एनिमल नॉट एज ए स्टॉक इन ट्रेड, SIT नहीं होना चाहिए, नहीं तो पोल्ट्री फार्मिंग तो पीएल में चार्ज करती रहेगी, हर रात को मुर्गियां मरेंगी और पीएल में चार्ज करेंगे, तो उनके लिए वो SIT नहीं होना चाहिए। डेड और यूजलेस एनिमल है, जितना में आपने परचेस किया माइनस अमाउंट रिकवर्ड, अगर कुछ आ जाए कार का सा सड्डिया बेच के तो उसे हम पीएल में चार्ज करेंगे। बैड डेप्ट रीड विथ 41(4), बैड डेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैड डेप्ट के लिए उन्होंने कुछ कंडीशंस लगाई है। नंबर वन, आप पीएल में उसे राइट ऑफ करोगे, बोला यस। नंबर टू, आप उसे अपनी इनकम में दिखाओगे, आप उसे अपनी इनकम में रिकॉर्ड करोगे। तो लॉजिक व्यू बहुत सिंपल सा है कि इनकम में तो तभी होगा ना, डेटर्स बैड डेप्ट, डेप्ट मैं डेटर्स, डेटर्स वर्ड कहां से आया, सेल्स, सेल्स कहां, क्रेडिट सेल, आपने पीएल में क्रेडिट सेल, ट्रेडिंग पीएल में आपने क्रेडिट सेल लिया होगा तभी तो डेटर्स आया होगा, डेटर्स आया होगा तभी तो बैड डेप्ट हुआ होगा, डेप्ट हुआ होगा तो बैड हुआ होगा। तो इट मस्ट बी टेकन इन टू कंसिडरेशन फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, इनकम में ये होना चाहिए कि सेल्स में होना चाहिए तभी तो डेटर्स आया। रेवेन्यू इन नेचर का होना चाहिए आपका, रेवेन्यू इन नेचर यानी कि बिजनेस वाला पॉइंट होना चाहिए। अगर मैं कपड़े का काम कर रहा हूं, कपड़े बेचने का काम, और एक दिन सारिका जी आई और उसने कहा भैया मुझे 2 लाख रुपए लोन चाहिए, मैं 7 दिन बाद आपको रिटर्न कर दूंगी, मैंने कहा लो बेटा सारिका लो 2 लाख रुपए लोन लो, 7 दिन तो छोड़ो 7 साल गुजर गए, 7 महीने गुजर गए, आज तक सारिका वो पैसे देने नहीं आई, मैंने लास्ट में देखा और तो सारे तंत्र मंत्र मैंने लगा लिए, ये पैसे देगी नहीं, मैंने अपने अकाउंट में पीएल में इसको डाल दिया, खर्चा एक्सपेंडिचर दिखा दिया,
मैंने एक्सपेंडिचर जैसे ही दिखाया, पीएल में डिपार्टमेंट ने कहा ये क्या है सर, बोला मैंने सारी का मैम को, उसने कहा भैया मुझे लोन दो, मैंने दे दिया, वो तो आई नहीं, मैंने अब वो पैसे मैंने पीएल में दिखाए। तब डिपार्टमेंट ने पूछा क्या आप फिनांस कंपनी है, बैंकिंग फिनांशियल इंस्टीट्यूशन है, मैंने कहा नहीं मैं तो कपड़े बेचता हूँ, तो बोला ये आपका रेवेन्यू नेचर नहीं, मैं आपको इसको अलाउड नहीं करूंगा, डिसअलाउड है, और ये मेरे इनकम में भी तो नहीं है ना, क्या मेरे सेल में, मैं कपड़े बेच रहा होता हूं, निहाल को मैं कपड़े देता हूं, और कपड़े बेचते वक्त अगर ये पैसे मुझे नहीं देता तो मेरी इनकम में सेल में इंक्लूडेड था, मैं इसे बैड डेट बोल सकता हूं, या फिर ये विजुलाइजर है, विजुलाइजर मैंने बेच दिया 20,000 रुपए में, पर वो पैसे मेरे आज तक नहीं आए, मैंने पीएल में चार्ज कर, डिपार्टमेंट ने कहा मैं नहीं दूंगा, मैंने कहा क्यों, बोला आप तो पढ़ाने का काम करते हो, कोई स्टूडेंट फीस दिए बिना भाग जाए वो आपके लिए पीएल का आइटम है, ये विजुअलाइजर पे बेचा, ये तो लॉस ऑन सेल ऑफ विजुअलाइजर हो गया, जाइए आप यहां से। ओके, इतनी सारी चीजें ध्यान रखनी है, हाँ इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, छोटी मोटी चीज तो है नहीं कि मैं आपको बोलूं और हो जाएगा। पीएल में बैड डेप्ट लेने के लिए यू हैव टू टेक अ प्रॉपर स्टेप टू रिकवर द अमाउंट अंटिल अनलेस इट इज नॉट रिकॉग्नाइज कि अब ये पैसे आने वाले नहीं, आप पीएल में चार्ज नहीं कर सकते हो, ये बहुत बड़ा ही मुद्दा है। तो आपने कुछ अमाउंट 1,00,000 रुपए के करीब आपका पैसा बैड डेप्ट आप पीएल में नहीं दिखाए, क्यों नहीं दिखाए, क्योंकि आपको लगता है रिकवरी हो सकती है। पर इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्कीम आईसीडीएस जो आया, उस आईसीडीएस में उन्होंने एक बात बड़ी प्यार से कही कि जब मैं इनकम को कंप्यूट कर रहा हूं और मुझे लग रहा है कि 1,00,000 रुपए ये रिकवर नहीं होंगे, मैं इसे अपना खर्चा दिखाऊंगा अपनी इनकम को दिखाते वक्त। तब डिपार्टमेंट से मैंने पूछा सर आईसीडीएस में तो आप इसे इनकम में दिखा रहे हो, यानी कि आप इसे एज ए बैड डेप्ट क्लेम कर रहे हो, पर आपने तो पीएल में राइट ऑफ नहीं किया है। तो आईसीडीएस बोलता है मैं इनकम कंप्यूट करता हूं, मैं अकाउंटिंग मेथड को नहीं देखता, मुझे अगर लग रहा है ये रिकवर नहीं होगा तो मैं इसे एक्सपेंडिचर दिखाऊंगा, आपने राइट ऑफ किया हो या नहीं किया मुझे मतलब नहीं है। वाह सर वाह, क्या प्रोविजन उन्होंने बनाया। फिर इन्होंने कहा 41(4) रिकवरी ऑफ बैड डेप्ट, रिकवरी ऑफ बैड डेप्ट की सिंपल सी बात है, जब भी कोई रिकवरी हो तो रिकवरी से पहले आप लेस डिसअलाउड कर देना, अगर पहले नहीं, इंटर में नहीं है निहाल, आईसीडीएस इज नॉट इन इंटर, ठीक है ना, अगर बैड डेप्ट आपका रिकवर हो रहा हो, आप रिकवरी कर रहे हो, तो सबसे पहले आप पहले कोई डिसअलाउड हुआ हो तो उसको देख लेना। देखो मैंने 13-14 में बैड डेप्ट क्लेम किया 25,000, डिपार्टमेंट ने मुझे बड़े प्यार से कहा ले जाओ बेटा 25,000 अलाउड, रिकवरी ऑफ बैड डेप्ट 20,000 हुआ 18-19 में आफ्टर सम इयर्स, तो सबसे पहले एज एसएससी में क्या करूंगा, मैं पहले चेक करूंगा क्या डिपार्टमेंट ने मुझे कोई डिसअलाउड किया, क्योंकि डिसअलाउड का मतलब मैं ऑलरेडी टैक्स दे चुका हूं, नहीं सर कोई डिसअलाउड नहीं है, तो ये पूरा का पूरा रिकवरी इज अ नॉशनल बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 41(4). पर अगर मैं 13-14 में बैड डेप्ट मैंने क्लेम किया 30,000 अलाउड हुआ 18,000 यानी कि डिसअलाउड हुआ 12,000 डिसअलाउड होने का मतलब मैं ऑलरेडी 12,000 पे टैक्स दे चुका हूं, इन फ्यूचर देयर इज अ रिकवरी 22,000, तो पहले मैं क्या एडजस्ट करूंगा 12,000, वो जो बचेगा उसे नॉशनल बिजनेस इनकम कहूंगा, तो पहले आप डिसअलाउड को एडजस्ट करो। पर उसमें भी एक बात है इंपॉर्टेंट कि जो केस स्टडी है सुप्रीम कोर्ट ने जो जिस बार में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि देखो बॉस मैं रिकवरी ऑफ बैड डेप्ट को ये लाऊंगा, ठीक है ना, तो कैमल पी के, सुप्रीम कोर्ट की केस स्टडी है कैमल पी के, ऐसे पी के ही कमाल होता है, कैमल पी के ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो रिकवरी ऑफ बैड डेप्ट नेशनल बिजनेस इनकम 41(4) होगा तभी अगर डिडक्शन पर्सन जिस बंदे ने बैड डेप्ट क्लेम किया था और जो बंदा रिकवर कर रहा है वो सेम होना चाहिए, जिस बंदे ने बैड डेप्ट क्लेम किया और जो डिडक्शन जो जिसको रिकवरी हुई है वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर मैंने बैड डेप्ट क्लेम किया है और मेरे बिजनेस को विजय जी ने टेक ओवर किया है और रिकवरी अगर विजय जी के पास आती है, विजय जी उसके ऊपर टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि क्लेम करने वाला बंदा और रिकवर करने वाला बंदा इज नॉट सेम। बोलो एवरीबॉडी क्लियर, एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, कॉर्पोरेट एसएससी, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो एमोर्टाइज इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, क्या होगा कैपिटलाइज इन, एमोर्टाइज इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, आप कितने बार में क्लेम करोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो एमोर्टाइज इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा 100% आप डिडक्शन ले लेना, ठीक है ना।
अगर आप फैमिली प्लानिंग, अगर आप कॉर्पोरेट एसएससी हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर एमोटाइज इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, आप बहुत अभिषेक आप इधर उधर बहुत कुछ कर रहे हो, आप मेन मुद्दे पे नहीं, कौन से टॉपिक को कहां से आप पूछ रहे हो। एमोटाइज इन 5 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो 100% अलाउड इन सेक्शन 3619, ठीक। पर अगर नॉन कॉर्पोरेट एसएससी अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करता है तो 100% अलाउड इन जनरल डिडक्शन सेक्शन 37(1), पर अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है तो नॉट अलाउड। यानी कि दिस सेक्शन इज ओनली 3619 इज ओनली फॉर कंपनी, नॉट फॉर कंपनी नहीं है, मैंने अदर देन कंपनी के लिए सेक्शन नहीं है। 15 और 16 सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स या कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स और कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स इज अ अलाउड एक्सपेंडिचर प्रोवाइडेड उस ट्रांजेक्शन से जो इनकम होगी वो बिजनेस और प्रोफेशन में चार्जेबल होनी चाहिए। उस ट्रांजेक्शन से जो बिजनेस होगी उसमें उसको क्या होना चाहिए, बिजनेस और प्रोफेशन होना चाहिए। यानी कि एसटीटी एंड सीडीटी इज अलाउड एक्सपेंडिचर इफ इनकम फ्रॉम सच ट्रांजेक्शन इज चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। ये बात आपके जहन में डाल लो, क्योंकि एसटीटी इज नॉट एन अलाउड एक्सपेंडिचर इन कैपिटल गेन। अगर आप उसे सीजी में लेके जाते हो तो यहां मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और सीजी बोलता मैं तो दूंगा ही नहीं आपको। दिस इज सीरीज ऑफ सेक्शन 36, 37 तो याद ही है। चलिए बोलिए, अब आप मुझे बताइए, दिस सीरीज 30 क्लियर 31 37 1 36। आकाश सर दीजिए, अब आप बताइए आपको बिजनेस और प्रोफेशन कैसा लगा, वे अपना फीडबैक दीजिए, बहुत सिंपल सा फीडबैक दीजिए आपको कैसा लगा। देखिए मैं इसे 9th क्लास में कवर करता हूं, तो मैं आपके पास 1.5 घंटे थे, मैंने 1.5 घंटे में मैंने जितना कवर किया, 1 क्लास और लूंगा, क्योंकि इतना एक संग में आपको दूंगा जो पर्पस हमारा है वो सॉल्व नहीं होगा। मंडे को हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, क्लास नंबर 2 रिवीजन नंबर सेशन नंबर 2। ऐसे डिजलाउड है बेटा, ब्लैक स्टोन डिजलाउड है, बताओ दोस्त। एक दिन इतनी सारी चीजें आपको कवर अप नहीं किए जा सकते, आप लॉजिक लगाओ सर, जिस चीज को हम 20 घंटे में पढ़ाते हैं उस चीज को, तो क्या आज आपको आपके बिजनेस और प्रोफेशन, नेक्स्ट दिन हम सेक्शन 32 सेक्शन 35 एंड सेक्शन 44, नेक्स्ट मंडे को हम 5 बजे फिर मिलेंगे और बाकी चीजों पर। एक चीज और है, आप भी अगर आधी 1 घंटा खुद पढ़ लें, रिवीजन कर लें, कोई डाउट हो, जेन्युइन डाउट हो, तो आप मुझसे डिस्कस करें। सीए ड्रीमर आ गए हैं, वी कैन डू इट, व्हाई दिस फ्री सेशन, ओके बेटा। या वन क्वेश्चन आई विल सॉल्व Monday is going to be Monday. Which topic is the business or profession? Continue. How it is covered under section 32-36? Beta, it is not covered under section 32-36. Yes, ek full sum karaunga Rutul. Okay. I hope. Chaliye. Nihal Singh, 48-2B. Beta, 48-2B kya karoge beta? Oh, 2B. Main aapse Nihal ne pucha hai 48-2B. To aap question suni. Suno kya hota tha. मैं एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हूं और आप स्टेट गवर्नमेंट हो निहाल, मैं एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हूं आप स्टेट गवर्नमेंट हो, मैं जब प्रॉफिट स्टेट गवर्नमेंट हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टेट गवर्नमेंट का उसमें कंट्रोलिंग स्टेक है, मान लो आपका 60% के करीब स्टेक है, आप गवर्नमेंट हो, ठीक है ना। अब लॉजिक यह आती है कि अगर मैं जो कमा रहा हूं मैं जब डिविडेंड डिक्लेयर करूंगा तो सेक्शन 115 ओ सबसेक्शन 1 के हिसाब से मैं कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स डिडक्ट करूंगा और फिर डिविडेंड का पेमेंट करूंगा,
और जब मैं डिविडेंड का आपको पेमेंट करूंगा, लॉजिक की बात है, जब मैं आपको डिविडेंड का पेमेंट करूंगा तो सीडीटी काटूंगा और सीडीटी इज अ डिसअलाउड एक्सपेंडिचर, तो एज ए गवर्नमेंट आपको नुकसान हो रहा है, आप ही के पैसे आ रहे हैं, सीडीटी कट के आ रहे हैं और मैं एक डिस एक्सपेंडिचर है। तो लोगों ने क्या किया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने दूसरा एक मेथड अपनाया, जैसे सर्विस चार्जेस, रॉयल्टी, इंटरेस्ट बोल के पब्लिक सेक्टर डिविडेंड की जगह ये देना चालू कर दिया। तब इनकम टैक्स ने कहा, भैया तुम डिविडेंड देने की जगह इन सब तीन नामों से तुम दे रहे हो, क्यों दे रहे हो भाई? तो ये सारी चीजें देने के कारण गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को अगर इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस बोल के कुछ, टेक्निकल सर्विस बोल के कुछ दे रही है तो सब डिसअलाउड एक्सपेंडिचर है। आयुष सेक्शन 35 कराऊंगा, सेक्शन 35 एंड सेक्शन 44, ओके, क्लियर? तो आई होप एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। आई डोंट थिंक कि किसी के मन में अगर कोई दिक्कत है तो मुझे जरूर बताइएगा। एनीबॉडी? थैंक यू।